वेयर डज द चार्ज प्रेजेंट इन पूरे ब्रह्मांड में चार्ज है कहाँ? जब प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा होगी तो हमेशा क्या दिखेगा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वो जो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली चला रहा है वो जो करंट बना रहा है वो जो चार्ज के फ्लो के रेट के पीछे का कारण है उसका नाम है वोल्टेज ये देखो एक टंकी ऊपर रखी हुई है एक टंकी नीचे रखी हुई है दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया तो पानी कहां से का, का फ्लो करेगा बैटरी एलिमिनेटर काम होता है यानी यानी बैटरी को हटा देने वाला ये खुद पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा ये वोल्टेज का सोर्स बनता है तार जितनी ज्यादा लंबी होगी इलेक्ट्रॉन को निकलने में टक 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 उतनी ही ज्यादा दिक्कत आएगी बोलो हर रेजिस्टेंस का अपना इंडिविजुअल कनेक्शन जब बैटरी के साथ है तो सब पर सेम वोल्टेज गिरेगी इस पर भी इस पर भी इस पर भी पावर के तीन फॉर्मुले थे एक था वीआई एक था 2 स्क्वायर बटा r और एक था i स्क्वायर r स्वागत है स्वागत है स्वागत है फिजिक्स वाला के इस प्लेटफार्म पर आप सभी प्यारे-प्यारे क्लास टेंथ के बच्चों का स्वागत है दोस्तों आज हम इसी उड़ान चैनल पर एक और वीडियो लेकर के आए हैं जिसकी भाई हैवी डिमांड थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो भाई फिजिक्स का खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसा खास इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट था जहां पर आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए यहां पर न्यूमेरिकल और ज्यादा है क्योंकि फॉर्मूले और ज्यादा है ना तो भाई एक बार हम पूरे चैप्टर को पढ़ जाएंगे भाई बहुत ही हेवी डिमांड आती है ऐसी चीजों की सर सारी फॉर्मूला शीट हमको दे दीजिए है ना माइंड मैप वैसे भी हमारे मेन चैनल पर चली रहा है तो ठीक है भाई इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर की बहुत ही हेवी डिमांड को पूरा करते हुए लेकर के गए आपके लिए तो भाई इस चैप्टर के अंदर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं और बहुत सारे छोटे छोटे हैं उन छोटे छोटे को जोड़ करके बाद में बड़े कॉन्सेप्ट बनते हैं है ना जैसे आप बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर पढ़ने के लिए आपको पीछे के सारे कॉन्सेप्ट में से निकले हुए जितने भी फॉर्मूले है वो सबके सब याद रहने चाहिए ठीक है ना तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि भाई एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तीसरे के बाद चौथा ये एक कड़ी आपको महसूस होगी है ना आपको एक सीरीज महसूस होगी कि पहले हमने ये पढ़ा उससे जुड़ा हुआ ये है फिर उससे जुड़ा हुआ ये है फिर, फिर उससे जुड़ा हुआ ये है फिर उससे जुड़ा हुआ ये है, है, ना कोशिश करेंगे हर चीज के बीच में कनेक्शन बनाने की है ना और इसी से आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को भी हम लोग और मजबूत कर पाएंगे ठीक है तो भाई स्टार्ट करते हैं आप बिना टाइम वेस्ट किए वन शॉट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं भाई कंप्लीट चैप्टर पढ़ रहे हैं है ना थ्रू और एनसीआरटी के अंदर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कटा है जैसा पास्ट ईयर में आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी वैसा ही आ रहा है ठीक है ना तो एनसीआरटी ने कुछ भी नहीं काटा इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स में है लेकिन इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं कटा ठीक ना? तो है, भाई चार्ज होता क्या है? चार्ज एक का नाम है ठीक है ना चार्ज किसी चीज का नाम नहीं है जैसे मैं बोलूं भाई ये पेन है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है लिखना एक पेन है इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखना ऐसे ही एक मटीरियल है जिसकी प्रॉपर्टी है चार्ज समझ गए ना तो चार्ज असल में क्या है चार्ज एक गुण का नाम है चार्ज एक क्वालिटी का नाम है है ना जैसे एक व्यक्ति में क्वालिटी अच्छा ही हो सकती है एक व्यक्ति में क्वालिटी बुराई भी हो सकती है आप बोलोगे सर ये क्वालिटी कैसे अरे बैड क्वालिटी है लेकिन है तो क्वालिटी ना है तो कोई ना कोई गुण ही ना है तो कोई ना कोई एडजेक्टिव ही ना ठीक है ना चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो वो बात नहीं कर रहे है, है ना तो ऐसे ही यहां पर हर मटीरियल के पास एक गुण है एक क्वालिटी है जिसका नाम क्या है चार्ज ठीक है ना और चार्ज दो प्रकार का होता है पॉजिटिव और नेगेटिव पहली बार कहां पढ़ा था छठी क्लास में पढ़ा था क्लास के अंदर आपको पढ़ाते हैं charge, like है, ऐसी नहीं है आपको पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज अगर सामने आएंगे तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा तो एक दूसरे की तरफ भागेंगे और ऐसे ही कुछ नेगेटिव चार्जेस के लिए भी है इसी को बोलते हैं ना लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ये बातें आपको पहले से पता है ठीक है ना एक बात को और क्लियर कर लेते हैं कि माइनस और माइनस मतलब है, है ना ये सिर्फ इनको नाम दे दिए गए है कि भाई प्लस है और तू माइनस है क्योंकि आपस में कैंसिल होते थे ये। आपस में कोई नेट नेट चार्ज नहीं बनाते थे तो इसलिए तो तो ऐसा बोलते पॉजिटिव चार्ज और तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चार्जे इंसानों ने इनको नाम दे रखा है पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है ना अब आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज फंडामेंटली कहां पर प्रेजेंट है तो कहां पर प्रेजेंट है भाई बताओ एटम नाम सुना है एटम के तीन सब अटोमिक पार्टिकल सुने हा सर सुने है. कौन कौन से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इसमें से जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ठीक है ना आप बोलोगे प्रोटॉन में ऐसा क्या है तो वो

चार्ज क्या है बेटा ठीक है ना तो जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास है इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन उतना ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव में है. उतना ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव तभी तो एक दूसरे को मार डालते न्यूट्रलाइज तो हो जाते हैं प्रोटॉन पर, पर चार्ज दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं ठीक है प्रोटॉन तो पर पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन पर क्या है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है क्या ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा हो ही नहीं सकता कोई ऐसा मैटर नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में जिस पर चार्ज ना हो सर क्या बात कर रहे हो आप ये तो मास जैसा हो गया हां मैटर की क्या प्रॉपर्टी थी याद है नाइन्थ क्लास में मैटर पढ़ा था ना क्या प्रॉपर्टी थी मैटर की प्रॉपर्टी थी मैटर इज द वन विच एंड मास्यूपाई स्पेस एंड हैज चार्ज ये बात वहां पर नहीं थी आज लिख लो मास भी हो और मास के बिना चार्ज नहीं हो सकता मास के बगैर चार्ज नहीं रह सकता चार्ज रहता ही मास के ऊपर है यह समझ लो मास रहता ही चार्ज के ऊपर है ओ oh, सॉरी चार्ज रहता ही मास के ऊपर है ठीक है तो मास तो पहले आएगा ऊपर चार्ज आएगा उसके ठीक है तो तो मास अगर है 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 जो कि मैटर में होता ही है, तो चार्ज होगा ठीक ना तो न्यूट्रॉन पर चार्ज है क्या क्या बात कर रहे हो आप नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा मैं बात यह कर रहा हूं कि न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज है जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव आपस में कटके न्यूट्रल हो गया यानी न्यूट्रॉन को हम अनचार्ज नहीं कहेंगे हम न्यूट्रॉन को कहेंगे न्यूट्रल है तू तू न्यूट्रल है इस ना इस साइड होता है ना उस साइड होता है तू बीच का बिच्छू है जितना तेरे में पॉजिटिव चार्ज है उतना ही तेरे में नेगेटिव चार्ज है आपस में कट गया तो न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन समझ गए ना अनचार्ज नहीं है ठीक तो है तो प्रोटोन एक चार्ज पार्टिकल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है क्योंकि नेगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है लेकिन न्यूट्रॉन के पास जितनी संख्या जितनी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का है उतनी मात्रा में नेगेटिव चार्ज भी है दोनों की मात्रा बराबर है इसलिए वो न्यूट्रल है ये कहानी है ठीक है आइए पढ़ते हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट देखो भाई चार्ज में जो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने में आता है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है ना इलेक्ट्रिक फोर्स ही है ये रिपल्सिव फोर्स लग रही है ना ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है ये होने को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट अगले चैप्टर की वेट करनी पड़ेगी अगले चैप्टर का मन है अगर पढ़ने का तो भाई बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर हैवी डिमांड होगी तो जल्दी ले आएंगे है ना नहीं होगी तो आराम से पढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो भाई अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट तो वहां पर आपको पढ़ना है कि चार्ज का मैग्नेटिक प्रभाव भी होता है इलेक्ट्रिक प्रभाव तो होता ही है इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होता ही है मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है बाद में बात करेंगे उस बारे में

ठीक है अगर फिजिक्स लोगे तो है ना नहीं लोगे तो फिर कहां से करोगे तो लेनी पड़ेगी फिजिक्स फिजिक्स नहीं लोगे क्या लोगे बोलो हाँ लेंगे हम सब फिजिक्स लेंगे ठीक है ना बाकी कॉमर्स लेंगे विद फिजिक्स. लेंगे? विद फिजिक्स फिजिक्स आर्ट्स लेंगे ठीक है ना कुछ भी नहीं करेंगे तो भी फिजिक्स पढ़ेंगे यस दैट्स द स्पिरिट साइंस के साथ तो फिजिक्स पढ़नी है बेटा वो किसने मना किया वो तो पढ़नी पड़ेगी लेकिन कॉमर्स विद फिजिक्स आर्ट्स विद फिजिक्स ठीक है ऐसे मजा आएगा फिजिक्स पढ़ेंगे ठीक है ना फिजिक्स नहीं छोड़नी है तो छोटा चार्ज छोटा चार्ज Q से कभी कभी रिप्रेजेंट हो जाता है वैसे हम लोग चार्ज को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ना यूनिट SI क्या है चार्ज की तो यूनिट जो नापी जाती है चार्ज की वो क्या है कुलम है और C से है। C से से डिनोट डिनोट होती है है कैपिटल उसको किया जाता ठीक है ना मैं आपको बता दूं कि इससे छोटी यूनिट भी हैं जो कि आपके काम आएंगी जैसे जैसे एक होती है मिलीकूलम्ब टेन की पावर माइनस थ्री कूलाम्ब एक होती है माइक्रो माइक्रोकूलाम्ब

परमाणुओं से अणु बनता है तो अणु मोलिक्यूल और परमाणु क्या है, है ना मॉलिक्यूल ऑफ विच आर मेड। इसी से पूरे ब्रह्मांड के पदार्थ बने हैं है ना भाई परमाणुओं से परमाणुओं से अणु बने और अणुओं से ये सारा संसार बना हुआ है ठीक है ना तो जितना भी मैटर बना है वो सबका सब मॉलिक्यूल से बना है और एटम से बने एटम्स के अंदर ये सारे पार्टिकल्स है तो आप कह सकते हो कि मैं अनचार्ज हूँ या आप अनचार्ज कोई अनचार्ज नहीं है कोई अनचार्ज नहीं है न्यूट्रल हो सकते हैं लेकिन अनचार्ज कहना बिल्कुल भी सही नहीं है है ना क्योंकि हम सबके सब एटम से मिलकर के बने भाई और एटम के पास चार्ज है अंदर है उसके बेशक पूरा ओवरऑल न्यूट्रल लेकिन जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव तो है ना चार्ज तो बोलेंगे ना कहे हाँ चार्ज तो बोलेंगे ठीक है ठीके? आगे बढ़ जाए चलिए ओके तो भाई अब चार्ज है तो अपियर कैसे होगा माने दिखना कैसे शुरू होगा उसका प्रभाव बाहर कैसे आएगा भाई किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो उसका प्रभाव दिखना कैसे शुरू होगा आसपास तो भाई ऐसे दिखना शुरू होगा ऐसे दिखना शुरू होगा कि अगर हम उसके अंदर संतुलन को बिगाड़ दे तो जैसे मान लो एक बॉडी है मान लेते हैं कि एक बॉडी है ठीक है ना उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दस इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी हैं तो आपको पता है जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, पर है उतना ही प्रोटॉन पर जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव में है उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव में हाँ तो फिर इस पर नेट चार्ज कितना हो गया जीरो भाई जीरो होगा कोई चार्ज नहीं होगा इज जीरो सही बात है ना जितना नेगेटिव में है उतना ही क्या है पॉजिटिव में सही बात है ठीक बात है।, है ना तो अब अगर आप चाहते हो कि भाई अपना प्रभाव बाहर दिखाए ये दिखाए कि मैं पॉजिटिव चार्ज हूं ये दिखाए कि मैं नेगेटिव चार्ज हूं ये दूसरी ये दूसरी दूसरी बॉडीज बॉडीज को को रिपेल करे करे अट्रैक्ट तो वो कब हो पाएगा जब आप इनके बीच का संतुलन बिगाड़ दोगे कैसे बिगड़ेगा भाई इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन खींच लो या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन भर दो दो में से एक काम कर सकते हो आप ठीक है ना या तो आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स खींच लो यानी लॉस कर दो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का या फिर आप कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दो यानी गेन कर दो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का सर ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही लॉस इलेक्ट्रॉन के ही गेन की बात क्यों करते हो प्रोटॉन के गेन प्रोटॉन के लॉस की बात क्यों नहीं कर रहे है? भाई साहब प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस के अंदर एटम के ऊपर शेल होते हैं चारों तरफ के शेल एल शेल एम शेल एन शेल है ना और बीच में कौन रहते हैं बीच में रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उनको हिलाना इतना आसान नहीं है भाई क्या लगा रहे हो क्या समझ रहे हो कि प्रोटॉन को निकाल ले जाओगे न्यूक्लियस में से इतना आसान नहीं है भाई जब प्रोटॉन न्यूक्लियस को छोड़ता है ना जब न्यूक्लियस टूटता है ना इतनी एनॉर्मस अमाउंट की हीट निकलती है जिससे हिरोशिमा और नागासाकी तक पिघल के नालियों में बहने लगते हैं भाई ये जो एटम बम फोड़ा था ना अमेरिका ने जापान पर जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो रुक गया था बंद हो गया था डर के मारे कि और कहीं ना फेंक दे वो इसी के कारण था भाई तो इसलिए प्रोटॉन को निकालना या प्रोटॉन को डालना भी क्योंकि डालोगे तो कहीं से तो लाओगे इतना आसान नहीं है मेरे बच्चे ठीक है ना तो प्रोटॉन नहीं जाते प्रोटॉन नहीं आते लॉस ऑफ प्रोटॉन गेन ऑफ प्रोटॉन इतना आसान नहीं है लेकिन हाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का आना इलेक्ट्रॉन का जाना ये तो लगा रहता है इसी पर तो पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है पूरी केमिस्ट्री है ही क्या एक आइटम है उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया मेटल था तो कैटान बन गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया एक नॉन मेटल था उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिवली चार्ज बन गया शुरू यही से होता है कि दो कंपाउंड्स के बीच में अपने अपने बॉन्ड थे उसके बाद वो बॉन्ड टूट गए उन्होंने आपस में रिएक्ट कर लिया और नए रिश्ते बना लिए पुराने रिश्ते टूटे और नए रिश्ते बने पुराने अलायसेज खत्म हुए और नए अलायंसेज बने समझे बात को ठीक है वही है वही पूरी केमिस्ट्री है तो ये होता कैसे है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो होता है है कि नहीं तो सोचो अगर मैंने इस बॉडी के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन खींच लिए इसमें से है ना मैंने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन खींच लिए ठीक है आओ चलो खींचते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिए खींच दिए इसको लिख देता हूं लूज टू इलेक्ट्रॉन ठीक है दो इलेक्ट्रॉन क्या करवा दिए ढीले कर दिए ढीले कर नहीं करे खो दिए लूज मतलब होता है खोना है ना तो दो इलेक्ट्रॉन खो दिए मैंने अब कितने बचे इसके अंदर बताओ बताओ भाई बताओ कितने बचे दस थे दस थे दो चले गए आठ बचे आठ बचे लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है दस के दस ठीक है जी तो अब नेट चार्ज क्या आएगा बोलो 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 नेट चार्ज क्या आएगा नेट चार्ज विल बी पॉजिटिव नाउ नेट चार्ज विल बी पॉजिटिव क्यों क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है और प्रोटॉनों की संख्या क्या है ज्यादा है जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा होगी तो हमेशा क्या दिखेगा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा अरे प्रभाव तो है प्रभाव ही तो है ऐसे था भाई बैलेंस था पहले किसी का प्रभाव दिखता नहीं था आपस में लड़ते थे आपस में लड़ते थे न्यूट्रल हो जाते थे आपस में लड़ते थे न्यूट्रल हो जाते थे है ना लेकिन ये थोड़े से कमजोर पड़ गए तो ये अपने आप ही महान कहलाने लगेंगे नहीं अगर ये कमजोर पड़ गए तो अपने आप क्या कहलाने लगेंगे महान है ना और ये कमजोर पड़ गए तो ये महान ये हो रहा है समझिए ना तो भाई इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्रोटॉन अपने आप में क्या हो गए महान कहलाने लगे और ये बॉडी अपने आप में क्या हो गई पॉजिटिवली चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है देखो देखो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होने से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है आया क्या आया क्या समझ में है ना अच्छा ऐसे ही सोचो ऐसे सोचो कि मैं लूज ना करवाता मैं गेन करवाता मैं लूज ना करवाता मैं गेन करवाता आइए गेन करवाए ठीक है आओ गेन करवाए गेन टू इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन के अंदर डाल दिए दो डाल दिए पहले कितने थे पहले दस दस थे ना याद है ना दस दस थे ना दो डाल दिए दो डाल दिए तो कितने हो गए बारह हो गए बारह इलेक्ट्रॉन और दस प्रोटॉन हा जी अब किन की संख्या ज्यादा है भाई साहब नेगेटिव चार्ज वालों की ज्यादा है नेगेटिव चार्ज वालों की ज्यादा उनका चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा इसलिए ओवरऑल बॉडी क्या हो जाएगी अरे बोलो नेगेटिवली चार्ज है ना तो हम बोलेंगे भाई नेट इस टाइम पर जो नेट चार्ज है नेट है वो नेगेटिव हो जाएगा बोलो हाँ जीरो से कम मतलब नेगेटिव जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव पता है ना ये बात अरे यार नेगेटिव होता है भाई इसका मतलब इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब वैल्यू क्या है बेटा पॉजिटिव है उसका मतलब वैल्यू जीरो है है ना जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव साइड पर जा रहा है जीरो से कम मतलब नेगेटिव साइड पर जा रहा है क्लियर है बात ठीक है ना तो ऐसे में क्या हुआ अगर गेन करवा इलेक्ट्रॉन तो क्या हुआ नेगेटिव चार्ज हो गया ये देखो ये देखो गेन करवाया इलेक्ट्रॉन का तो बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड बोलो समझ में आया क्या बोलो समझ में आया क्या तो कैसे चार्ज अपियर करवाते हैं किसी बॉडी पर बस संतुलन बिगाड़ के संतुलन बिगाड़ करके है ना एटम ऐसे ही कैटायन बनता है एटम ऐसे ही एनायन बनता है पढ़ लिया ना मेटल नॉन मेटल नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे वहां है वहां दिया गया है कि एक एटम मेटल कब बनता है एक एटम कैटाइन कब बनता है इलेक्ट्रॉन छोड़ के और एक एटम एनायन कब बनता है इलेक्ट्रॉन गेन करके ठीक बात है नहीं में में भी था ये और टेंथ में यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर है ना लेकिन आया कहां से ओरिजिन इसका फिजिक्स से है ठीक है जी क्या लिखा हुआ पढ़ो चार्ज बॉडीज या पार्टिकल्स क्रिएट हो सकते हैं पार्टिकल कैसे क्रिएट हो सकते हैं अरे चार्ज बॉडीज की बात हो रही है बॉडीज की बात नहीं हो रही है

आगे बढ़ते हैं ठीक है फिर एक प्रॉपर्टी आती है बेटा काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ठीक है ना देखो चार्ज को कुदरत ने क्वांटाइज कर रखा है सर ये क्वांटाइज करने का क्या मतलब होता है आओ सुनो क्वांटाइज करने का मतलब होता है देखो क्वांटा का अर्थ होता है पैकेट ठीक है क्वांटा मीन पैकेट पैकेट और ये क्वांटाइजेशन के नाम से समझना कोई प्रोसेस चल रहा है पैकेट बनाने का प्रोसेस क्वांटाइजेशन क्वांटा मतलब होता है पैकेट क्वांटा मतलब पैकेट पैकेट इज क्वांटम क्वान्टन पैकेट क्वाना इज की प्रक्रिया चल रही है. है ना कोई प्रक्रिया लग रही है ना सुनने में तो यस पैकेट बनाने को ही बोलते हैं बेटा पैकेट बनाना तो सर पैकेट बनाने की क्या जरूरत है पैकेट बनाने की क्या जरूरत है भाई मान लो कि तुम एक मिठाई की दुकान पर गए है ना तुम एक मिठाई की दुकान पर गए और तुमने बोला कि भैया मिठाई तोल दो जरा तो वो क्या पूछेगा एक किलो आधा किलो पाओ किलो है ना ये पूछेगा ना ढाई ग्राम तोलू आधा किलो तोलू या फिर एक किलो तो दो किलो तो ऐसे पूछेगा आपसे है ना तो उसने क्या कर रखा उसने मिठाई के पैकेट बना रखे कि भाई या तो मैं आधा किलो मिठाई बेचूंगा या मैं एक किलो मिठाई बेचूंगा या मैं पाओ किलो मिठाई बेचूंगा है ना अच्छा तुम मांगो कि नहीं भैया पाओ किलो नहीं चाहिए एक काम करो मेरे को ना एक सौ पिछहत्तर ग्राम दे दो पौने दो सौ ग्राम दे दो बोलेगा पागल हो गया क्या क्या बातें कर रहा है भगा देगा तुमको भगा देगा मिनट से पहले भगा देगा बोलेगा क्या बातें कर रहे हो भाई बोला भैया एक काम करो दस रुपए की मिठाई दे दो दस रुपए की बर्फी दे दू तेरे को इधर इधर तेरे को दस चप्पलें घूम किया वहां से मानेगा क्या वो नहीं मानेगा क्यों उसने एक पैकेट फिक्स कर रखा है क्या? वो बोलेगा भाई साहब क्यों क्यों दिमाग खराब कर रहे हो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा भी अपना भी नहीं देंगे आपको दस रुपए की मिठाई नहीं देंगे आप आपको एक सौ छिहत्तर ग्राम एक सौ पिछहतर ग्राम नहीं देंगे आपको है ना चाहिए तो ढाई सौ ग्राम मिनिमम है ना नहीं तो सौ लेके जा यार एक सौ पचहत्तर का क्या मतलब है वट इज एक सौ छिहत्तर वट इज एक सौ इकहत्तर या तो तू सौ ग्राम ही ले जा चल ठीक है वो छोटे वाले डिब्बे में दे देगा सौ ग्राम डाल करके है ना नहीं तो पाओ किलो लेके जा ढाई सौ ग्राम लेके जा या तो पांच सौ ग्राम लेके जा या फिर एक किलो लेके जा या फिर दो किलो लेके जा ढाई किलो लेके जा समझ रहे हो ना बात को तो उसने क्या कर रखा पैकेट्स बना रखे हैं ऐसे ही चार्ज ने भी क्या कर रखा है पता है अपने पैकेट्स बना रखे हैं पैकेट्स मतलब सर हां ये सच बात है चार्ज ने भी अपने क्या बना रखे हैं पैकेट्स बना रखे यानी हर चार्ज पॉसिबल नहीं है जैसे भाई हर किलो की मिठाई लाना पॉसिबल नहीं है अनलेस वो दुकान तुम्हारी ना हो है ना तो हर ग्राम की मिठाई आप लेके नहीं आ सकते मिठाई वाले का दिमाग खराब हो जाएगा आपको बेचने में ऐसे ही चार्ज भी पैकेट्स में ही मिलता है आप चार्ज को पैकेट्स में ही लेके आप आते हो अपनी मन मर्जी से चार्ज नहीं उठा सकते आप अपनी मन मर्जी से चार्ज नहीं उठा सकते आप आपको पैकेट्स में ही चार्ज को लाना ट्रांसफर करना यहां से वहां करना पड़ता है ठीक है सर फिर वो मिनिमम पैकेट क्या है ये बता दो अच्छा मिठाई की दुकान पर मिनिमम पैकेट क्या था रो रो करके वो सौ ग्राम का पैकेट आपको दे ही देगा लेकिन एक सौ इकहत्तर ग्राम दे देगा क्या नहीं दे पाएगा है ना बात समझ में आ रही है ना तो इसे बोलते हैं पैकेट बनाना ऐसे ही चार्ज का जो मिनिमम पैकेट बना हुआ है वो बना हुआ है इतना दिस इज मिनिमम पैकेट सर ये नाम तो पहले सुना हुआ है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या फिर एक प्रोटॉन का भी चार्ज है ठीक है ना तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को या एक प्रोटॉन के चार्ज को ई से डिनोट करते हैं E. E क्यों इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E स्टैंड फॉर E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है ये होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कुलम स्मॉल क्या होता है बेटा डिनोट होता है स्मॉल से क्या होता है डिनोट होता है ठीक e है ना तो ये चार्ज अगर प्लस में लिखा गया तो प्रोटॉन का होगा माइनस में लिखा गया तो इलेक्ट्रॉन का होगा खे? साइन से फर्क नहीं पड़ता साइंस से फर्क नहीं पड़ता साइंस सिर्फ यह बताने के लिए कि ये चार्ज है किसका ठीक है ना साइंस से और कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो मिनिमम पैकेट क्या है भाई मेरे पीछे पीछे दोहराओ मिनिमम पैकेट क्या है मिनिमम पैकेट है यानी क्वांटा है क्वांटा इज 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू की पावर माइनस नाइनटीन बोलो

इसका डबल ले जाते हैं तो एक पैकेट ले जाओ या दो पैकेट ले जाओ है ना या फिर आप तीन पैकेट ले जाओ या फिर आप चार इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज ले जाओ या फिर आप पांच इलेक्ट्रॉन के बराबर का कहने का मतलब साढ़े तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज ला सकते हो क्या क्या आप आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के ला सकते हो क्या नहीं क्या आप फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन तोड़ के ला सकते हो क्या नहीं आप डेसिबल में इलेक्ट्रॉन तोड़ के ला सकते हो क्या नहीं पॉसिबल नहीं है पॉसिबल ही नहीं है ठीक है ना तो पॉइंटों में चार्ज को तोड़ना डेसिमलों में चार्ज को तोड़ना फ्रैक्शनों में चार्ज को तोड़ना पॉसिबल नहीं है तो आपको नेचुरल नंबर में ही चार्ज लेना पड़ेगा ठीक है ना तो नेचुरल नंबर वन नेचुरल नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी सौ दो सौ एक हजार दो हजार एक करोड़ दो करोड़ दस करोड़ पंद्रह करोड़ ऐसे चलेगा समझ गए ना तो नेचुरल नंबर जहां तक चल रहे हैं चलने दो वहां तक का आपको चार्ज मिलेगा आप चाहो कि भाई मैं साढ़े इलेक्ट्रॉनों का चार्ज ले लू पॉसिबल है क्या नहीं आप बोलो कि भाई मैं सवा इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लो पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन चार का चार्ज चाहिए पॉसिबल है, है, क्या? नहीं है, भाई। है ना? तो इनके बीच के चार्जेसिट इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन चार इलेक्ट्रॉन का सोलह चौ चौसठ सिक्स पॉइंट फोर टाइम्स टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन सोलह पंजेसी एट इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन ये चार्जेस पॉसिबल है इनके बीच के कोई चार्ज अगर आपको चाहिए तो पॉसिबल नहीं है बेटा नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे है ना तो अगर मैं पूछूं आपसे इज फाइव इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कूलम पॉसिबल और नॉट तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है हां की ना जल्दी से करो दस सेकेंड का टाइम है जल्दी से करो 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 है नहीं है? 5 10 की नहीं है क्या नहीं, नहीं है. No. No. है ना नहीं है. 10 नहीं ये है है ना? तो फाइव इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन इसके बीच का चार्ज है ना फोर पॉइंट एट से थोड़ा ज्यादा से कम है तो क्या भाई तीन और चार के बीच का कोई इलेक्ट्रॉन लेके आओगे क्या नहीं ना यार तीन पर तो यही है और चार पर यही है तो यहां तो ये लो या ये लो बीच का नहीं चलेगा ठीक है ना भाई बीच का चार्ज नहीं चलेगा ठीक है क्वांटाइजेशन इसकी पॉसिबल नहीं है इतना इतना छोटा क्वांटाइजेशन नहीं किया हुआ ठीक है तो समझ में आया क्या आगे बढ़ते हैं तो स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में उसे कहते हैं चार्ज इलेक्ट्रॉन का

नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन ऑफ चार्ज के एक कुलम पर यानी किसी बॉडी पर मान लो कूलम का चार्ज है ठीक है ना उसपे बेटा एन निकालना है आपको ठीक है ना और वन कुलम का मतलब क्या है कि आपको क्यू दे रखा है one C. तो N find करना आपको फॉर्मूला लगाएंगे क्यू इज इक्वल टू एनी क्यू बराबर एनी क्यू कितना है वन एन नहीं पता और ई e, e आपको पता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन होता है ठीक है ना वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन होता है एन क्या है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू क्या है वन तो एन एन निकाल लो एन निकाल लो यहां से इसको डिवाइड में ले जाओ वन डिवाइड बाई वन इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन पॉइंट हटाया जीरो ऊपर आया और दस की पावर माइनस उन्नीस ऊपर आ गया दस की पावर प्लस उन्नीस हो गया दस की पावर प्लस उन्नीस इन दस डिवाइड में सोला ठीक है ना एक जीरो और उतार लो उन्नीस है ना एक जीरो और उतार लो ये कितना बन जाएगा एक जीरो और उतार के कितना बन जाएगा ये बन जाएगा हंड्रेड है ना ये सौ हो जाएगा सौ इन टेन की पावर अठारह डिवाइड बाई सोलावल टू एन सोलह से डिवाइड हो रहा है ठीक है अब इसको काटे चलो काटो भाई काटो पच्चीस चौक के सोलह है ना ओ सॉरी चार से काटो काटो और और ये ठीक है जी और काटो इसको तो और सिक्स पॉइंट टू फाइव ठीक है तो एन क्या आ गया बेटा एन आ गया सिक्स पॉइंट टू फाइव इन टू टेन की पावर अठारह हाँ जी इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करते हैं जी

तीन प्रकार के इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस पढ़ने होते हैं पहला कंडक्टर है वायर जिनकी बनती है तारे जिनकी बनती है दूसरी चीज है सेमी कंडक्टर इन्हें बोलते हैं आपने, आपने कभी आपका सीपीयू खुला होगा लैपटॉप का खुला हो या पीसी का खुला हो तो आपने इस तरीके के कंपोनेंट्स देखे होंगे छोटे छोटे इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स ठीक है ना ये सेमी कंडक्टर के कंपोनेंस छोटे छोटे कंपोनेस होते हैं इनको कम करंट चाहिए होता है इसमें तो ज्यादा करंट फ्लो करता है इनको चाहिए होता है कम करंट तो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं सेमी मतलब थोड़े से कंडक्टर तो थोड़े से कंडक्टर है ज्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं होते क्योंकि करंट ही कम चाहिए है ना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को चलाने के लिए कम करंट ही चाहिए होता है और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को चलाने के लिए ज्यादा करंट चाहिए होता है तो वहां पर कंडक्टर यूज करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि आपका मोबाइल फोन हो गया आपकी डिजिटल वॉच आजकल आ गई है टैब हो गया

कंडक्टर्स मोस्टली होते हैं मेटल्स ठीक है ना और केमिस्ट्री के अंदर यह पढ़ाया जाता है कि मेटल का साइज जनरली बड़ा होता है मेटल का साइज क्या है जनरली बड़ा होता है अब बड़ा साइज अगर है बेटा बात को समझना तो न्यूक्लियस बैठा है सेंटर में और इलेक्ट्रॉन बैठा है कोने में न्यूक्लियस बैठा सेंटर में इलेक्ट्रॉन बैठा है कोने में तो इतनी ज्यादा दूरी है कि यह इलेक्ट्रॉन ढीला पड़ जाता है इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाता है और लूज हो जाएगा तो भाई चार्ज का फ्लो बनेगा करंट बहेगा करंट क्या होता है बेसिकली चार्ज का फ्लो होता है और यह करंट को अलाउ करता है तो अपने ही इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है ये दान कर देता है इसके कोने वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना ये कोने कोने वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो वो स्मूद स्मूदली फ्लो करने लग जाते हैं जब भी करंट चलेगा यह करंट का पार्ट बन जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स करंट का ही क्या करते हैं पार्ट बन जाते हैं है ना तो हम ये बोलते हैं कि कंडक्टर्स के पास क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है क्योंकि एटम का साइज बड़ा है समझ गए इंसुलेटर्स में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंसुलेटर जनरली जनरली होते है होते हैं हैं नॉन 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 मेटल्स 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 इंसुलेटर्स और का साइज होता है छोटा छोटा साइज है ना तो इलेक्ट्रॉन पर पकड़ मजबूत होती है बात समझ रहे हो न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन पर मजबूत होगी इलेक्ट्रॉन जल्दी से छूट के भागेगा नहीं और जल्दी से छूट के नहीं भागेगा तो फिर करंट में टेक पार्ट नहीं करेगा करंट में भाग नहीं लेगा करंट बनने में अगर वो भाग नहीं लेगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो करंट क्या बड़ा इलेक्ट्रॉन दूर से छूट के भाग जाता है लेकिन जब छोटा साइज होता है किसी एटम का तो इलेक्ट्रॉन का छूट के भागना इतना आसान नहीं है इतना आसान नहीं है क्लियर है बात आइए पढ़ लेते थ्योरी को द सबस्टांस और मटीरियल दैट परमिट इलेक्ट्रॉन टू फ्लो यानी जो अलाउ करे बाई तू जा इलेक्ट्रॉनों को बोले तू जा हम भी भेज रहे हैं तू भी जा है ना फ्रीली फ्रॉम द पार्टिकल कॉपर आयरन सिल्वर एल्यूमिनियम ये सारे क्या है बेटा हैं, है ना अच्छे कंडक्टर हैं। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऐसा क्यों होता है प्रेजेंस ऑफ मोर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी लूज इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है ज्यादा है ठीक है जी सेमी की बात करते हैं

ये भी सेमी का टाइप है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये एक दो नाम आपको याद होने चाहिए ठीक है एक दो नाम याद कर लीजिएगा काम आएंगे ठीक है अच्छा सेमी ऐसे क्यों होते प्रेजेंस ऑफ लेस फ्री इलेक्ट्रॉन सीधी सी बात है भाई देखो ना जिस पर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है वो करंट को पास करेगा जिसके पास कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो करंट को कम पास करेगा और जिसके पास है ही नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम संख्या है तो फिर करंट पास क्यों ही होगा तो ऐसा ही कुछ इंसुलेटर के अंदर भी होता है इंसुलेटर में क्या होता है कि भाई वो सब्सटेंस वो मटेरियल्स जो रेजिस्ट करते हैं फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यानी फ्लो होने नहीं देते नहीं देते एग्जांपल क्या है वुड ग्लास क्लॉथ है ना दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मोर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट ही है बेटा है ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है बेटा कम है बहुत बहुत कम है एब्सेंस ही है ऑलमोस्ट आप ऐसा समझ सकते हो ठीक है ना साइड हो जाता हूं आराम से देख लो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं अब चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अच्छा भाई बात करते हैं अब चार्ज अगर मोशन करेगा तो क्या होगा देखो लिखा हुआ चार्ज के मोशन को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट जी हाँ तो ये बनने जा रहा है क्या ये बनने जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट ठीक है ना आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ये फोटो पर ज्यादा ध्यान ना दो मुझ पर दो नहीं मुझ पर भी मत दो जो समझा रहा हूं उस पर दो मतलब है ना यहां देखो देखो ऐसा है कि भाई वायर वायर सिलेंड्रिकल होती है ना

कि हम इस चार्ज को ना एक सेकेंड के लिए स्टडी कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन में से क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या ये बाउंड्री ठीक है ये बाउंड्री समझ लो क्या ऐसी ऐसी बाउंड्री है, है, है ना इस इस तरह की बाउंड्री होगी ना ऐसी तो ऐसी एक बाउंड्री है इस बाउंड्री को सोचो ये पार कर रहे हैं लेकिन आपने बस इसको एक सेकंड के लिए ऑब्जर्व करना है सिर्फ एक सेकंड के लिए ऑब्जर्व करना है और एक सेकंड के अंदर जितना चार्ज यहां से यहां आ गया वो करंट बन गया वैसे ही करंट को डिफाइन किया गया करंट इज बेसिकली यहां पर मैं डेफिनेशन अगर लिखूं तो करंट होता क्या है करंट होता है बेटा रेट रेट ऑफ ऑफ फ्लो चार्ज इस इस तरीके तरीके से से समझो समझो का मतलब होता है बेटा टाइम रेट का मतलब होता है टाइम तो टाइम के हिसाब से चार्ज कितना फ्लो कर रहा है समझ गए ना यानी पर सेकंड चार्ज कितना पास हुआ एक एग्जांपल और देता हूं ताकि अच्छे समझ में आए देखो मान लो मैं एक वायर और ले लो यहां पर एक बार और ले लू उसकी भी एक क्रॉस सेक्शन ले लू ये ले ली ठीक है इसको भी मैं एक सेकंड तक के लिए स्टडी करूं और देखूं भाई कितना चार्ज निकल रहा है तो देखा गया देखा गया इसमें तो बहुत सारा चार्ज निकल रहा है भाई इसमें तो चार कुलम का चार्ज निकल रहा है और इसमें कितना निकल रहा था इसमें भाई दो ही कुलम का चार्ज निकल रहा था क्या बात समझ में आई एक वायर में किसी क्रॉस सेक्शन से वन सेकंड में दो ही कुलम का चार्ज पास हुआ और दूसरी वायर से एक सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन से का चार्ज पास हुआ कहा तो कुलम का चार्ज पास हो रहा है एक सेकंड में यहां चार कुलम का चार्ज पास हो रहा है एक सेकंड में तो कहां पर करंट ज्यादा बोलेंगे ऊपर करंट कम बोलेंगे और यहां पर करंट ज्यादा बोलेंगे समझ में आया गया ठीक है जी तो करंट होता गया जी करंट फिर हुआ क्या करंट हुआ फिर अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम ठीक है ना अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम करंट को डिनोट करो आई से चार्ज को डिनोट करो क्यू से टाइम को डिनोट करो टी से डब्बा कर दो बंद ठीक है करंट को डिनोट करो आई से चार्ज को डिनोट करो क्यू से टाइम को डिनोट करो टी से करंट का फॉर्मूला बन गया तो दिस इज दिस इज अनदर फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ना है ना पहला फार्मूला कौन सा था ये वाला Q इज इक्वल टू एनी पहला फॉर्मूला हमने ये देखा दूसरा फार्मूला ये है ठीक है जी दूसरा फॉर्मुला है करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम ठीक है ना अब देखो यूनिट की बात करते हैं यूनिट की बात करते हैं चार्ज की यूनिट है कूलम और टाइम की यूनिट है सेकंड्स ठीक है ना तो फिर यूनिट क्या बन गई कुलम पर सेकेंड इस कुलम पर सेकेंड को ही कहते हैं बेटा एम्पियर कूलम पर सेकंड को ही क्या कहते हैं बेटा एम्पियर है ना तो यहां तो मैं इसको इसको कूलम पर सेकंड फिर मैं इसको बोलू, बात एक ही है ठीक है बात ऐसे ही डिफाइन किया जाता है वन को भी. मैं या पर या में लिख देता हूं ठीक है ना वन एम्पियर को कैसे डिफाइन किया जाएगा सोचो हम कब बोलेंगे करंट निकला है हम कब बोलेंगे कि वन एम्पियर का करंट निकला है हम तब बोलेंगे वन एम्पियर का करंट निकला है जब एक कूलम का चार्ज पास हो रहा हो एक सेकंड के अंदर है ना जैसे यहां पर कितना हो रहा है या दो कूलम का चार्ज पास हो रहा है एक सेकंड में यहां चार कूलम का चार्ज पास हो रहा है एक सेकंड में तो ये हो गया कितना करंट ये हो गया दो एमपियर का करंट ये हो गया कितना ये हो गया चार एमपियर का करंट और यहां पर यहां पर एक कूलम का चार्ज पास हो रहा है एक सेकंड के अंदर तो हम क्या बोलेंगे क्या है ये वन एम्पियर का करंट है समझ गए बात को ठीक है जी तो एम्पियर इज द एस आई यूनिट ऑफ करंट ठीक है लिख दू यहां पर ठीक है जी ऐसा SI यूनिट क्या है इसकी A, यानी एम्पियर ठीक है और डिनोट किससे करते हैं डिनोशन किससे डिनोट करते हैं इसको आई से आपने देख ही लिया करंट को किसान कर, कर रहे हैं बेटा आई से कर रहे हैं ठीक है कुछ छोटे यूनिट भी देखो इसके क्या है मिली एम्पियर टेन की पावर माइनस थ्री एम्पियर माइक्रो एम्पियर टेन की पावर माइनस सिक्स एम्पियर ठीक है ना इनमें से कुछ नहीं भूलना सब कुछ याद रखना है मैं साइड हो रहा हूं आप नोट कर लो हर चीज ठीक है आगे बढ़ जाए चलो एक सवाल पर आते हैं करंट ऑफ पॉइंट फाइव एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर टेन मिनट फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट देखो भाई क्या कह रहा करंट जो है वो जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर है आधे एम्पियर का करंट चल रहा है ठीक है बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर टेन मिनट्स दस मिनट के लिए चल रहा है ठीक है तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज कितना फ्लो कर रहा है आपको बताना है ठीक है ना NCRT टाइप सवाल है बेटा ये ठीक है ना एनसीआरटी टाइप सवाल है तो चिंता वाली बात नहीं है है ना एक बार खुद से ट्राई करो खुद से ट्राई करो एक बार देखो आई है टी है क्यू निकालना है आपको है ना कौन सा बल लगेगा फॉर्मूला लगेगा i is equal to q by t ठीक है ना फार्मूला लगाओ एक बार निकालो q it लिख सकता हूं क्या t को i से मल्टीप्लाई कर दूं कर सकता हूं है ना तो देखो ये 10 मिनट को मिनट को पहले तो सेकंड्स में चेंज कर लो 60 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया ये बेटा ये आ गया 600 सेकंड है ना और करंट कितना था करंट था 0.5 0.5 का मतलब होता है हाफ है ना और टाइम कितना 600 छे काटा कितना आया बेटा तीन ये यह आंसर है थ्री हंड्रेड समझ में आया बहुत ही सिंपल सवाल ठीक है ना करंट दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है और आपको चार्ज निकालना है बस आपको कन्वर्ट करना है है ना यूनिट ठीक रखना है आपने और फॉर्मूला लगा करके आपने सॉल्व कर लेना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए नहीं है ना चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रिक करंट की बातें हम लोगों ने कर ली इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से कि चार्ज का फ्लो जो है ना उसका रेट कितना है कितने रेट से चार्ज जैसे आपने एक टूटी टैप 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 टूटी खोली आपने उसको हल्का खोला हल्का खोला तो पर सेकंड जो फ्लो है वो कैसा है कम है कम कम पानी निकल रहा है ना और आपने टूटी पूरी खोल दी तो क्या होगा करके पानी निकलेगा बहुत सारा

आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी बेटा करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है ठीक है ना अब बात यह करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है वो किस चीज का बना हुआ है भाई करंट तो है किस चीज का है तो मैंने बोला चार्ज का है मैंने बोला चार्ज का है और आप बताओ कि कौन सा चार्ज फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है या प्रोटॉन फ्लो करता तो इसका आंसर है प्रोटॉन तो फ्लो कर नहीं सकता तो कौन करता इलेक्ट्रॉन करता ठीक है ना फ्लो कौन करता इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं करता हाँ नहीं करता नहीं करता भाई कर ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन ही फ्लो है जिसको हम क्या कह रहे हैं करंट कह रहे हैं ठीक है? है, है, है बात करते हैं है जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं उसकी वजह से फ्लो करते हैं सर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बता तो दो अरे बोल तो दिया बता रहा हूं सबर, 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 सबर. अगली बात इसी की करने वाले हैं। वोल्टेज के कॉन्सेप्ट की ही बात करने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्टेज है ना तो वोल्टेज की ही चर्चा करेंगे लेकिन कंडक्टर के के कौन हुआ वायर सिंपल भाषा में सुनो तो जो वायर है ना वो मेटल की है ना तो मेटल के पास अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना जाने वाले फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने वाले होते हैं वो ही करंट बनाते हैं यानी वायर के खुद के ही इलेक्ट्रॉन धक्का खाते हैं वायर के खुद के ही इलेक्ट्रॉन वायर में ही फ्लो करते हैं वायर के खुद के इलेक्ट्रॉन वायर में ही फ्लो करते हैं समझ गए ना तो ऐसे बनता है करंट ऐसे बनता है करंट ठीक है ना फ्लो थ्रू द वायर विच कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज एज इलेक्ट्रिक करंट इसी से क्या बनता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट बनता है ठीक है जी क्लियर बात चलो ओके बात करते हैं बेटा ये वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है क्या वोल्टेज कहती क्या है ठीक है ना व्हाट इज वोल्टेज देखो भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो क्यों कर रहा है जो धक्के लगा रहा है भाई अपने आप धक्के नहीं लगते हमेशा फोर्स कोई लगाने वाला होता है हा कि ना हमेशा बाहर से कोई ना कोई हम पर धक्का लगाता है कोई बॉडी खुद पर फोर्स थोड़ी लगाती है दूसरी बॉडी आकर के फोर्स लगाती है हा कि ना ही होता ना ये तो कॉन्सेप्ट क्लास नाइन्थ का है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम खुद पर फोर्स नहीं लगा सकते कोई दूसरा आकर के हम पर फोर्स लगाता है तो कौन है जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा है वो जो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा रहा है वो जो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली चला रहा है वो जो करंट बना रहा है वो जो चार्ज के फ्लो के रेट के पीछे का कारण है उसका नाम है वोल्टेज उसी का नाम है वोल्टेज तो वोल्टेज में ऐसा क्या है ऐसा क्या करती है वोल्टेज आइए चर्चा शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर फ्लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है बेटा दोनों एक ही ही बात है है ये देखो लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस को ही दूसरे शब्दों में वोल्टेज कहते हैं ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम क्या है बेटा वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहा जाता है ठीक है तो इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर फ्लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के पीछे का कारण कौन है बैटरी है वोल्टेज कौन देता है, बेटा? बैटरी देती है आपने देखा ना बैटरी के दो एंड होते हैं ऐसे देखिए ना बैटरी इस तरीके से है ना बैटरी के क्या होते हैं बेटा दो एंड होते हैं एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव कैसे होता है पता है इसके अंदर ना कुछ ऐसा केमिकल है मतलब कैथोड और एनोड ये तो नाम सुने ना आपने तो कैथोड पर प... कैथोड पर अलग टाइप का केमिकल और इलेक्ट्रोड जो मिलके और जो कैथोड जो बनी है वो अलग टाइप के मटेरियल से मिलके बनी है और एनोड अलग टाइप का मटेरियल है तो दोनों मटेरियल में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो जो पॉजिटिव वाला होता है उसको बोलते हैं तू है भाई पोटेंशियल पर क्या बोलेंगे किस पर है यह है हाइयर पोटेंशियल पर ठीक है और जो ये नेगेटिव वाला इसे बोलेंगे भाई तू किस पर है तू लोअर पोटेंशियल पर है तू लोअर पोटेंशियल पर है तो अब ये बताओ अगर ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं ना एनोड कैथोड को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं दोनों है, है, ना तो जो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड है ये क्या करेगी ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगी है ना मान लो इसके साथ वायर जुड़ी हुई है और वायर के साथ क्या कर रखा है हमने कुछ बल्ब जोड़ रखा है इसको बल्ब मान लो ये कोई बल्ब है सर ऐसा क्यों दिखा रहे हो बल्ब को करते हैं बात रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है यहां पर खैर ठीक है ना तो कोई बल्ब जुड़ा हुआ है यहां पर ठीक है तो होगा क्या कि जो वायर के अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन्स है ना यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है यहां 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 पर 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 है 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 ये सब नेगेटिवली चार्ज है बोलो हाँ ये सब के सब क्या है बेटा नेगेटिवली चार्ज है तो इनको लगता है धक्का इनको मिलता है इस नेगेटिव साइड से धक्का और इलेक्ट्रॉन चल पड़ते हैं और पॉजिटिव साइड वालों वाले क्या करते हैं ये यह यहां पर खिजले आते हैं ये क्या करते हैं ये खिजे चले आते हैं ये इसकी तरफ खिजे चले आएंगे समझ गए बात को तो ये फ्लो बन गया नहीं बन गया भाई नेगेटिव वालों को मिल रहा धक्का पॉजिटिव वाले चले आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव समझ गए ना इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव लेकिन लेकिन जिस करंट को हमने अभी अभी पढ़ा है ना और आई से डिनोट किया है ना इसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट क्या कहते हैं बेटा इसको इसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट माने पारंपरिक करंट है ये और पारंपरिक करंट को माना जाता था कि वो एक पॉजिटिवली चार्ज चीज होगी है ना करंट को क्या माना जाता था कि भाई ये क्या होगी ये एक पॉजिटिवली चार्ज चीज होगी अगर ये पॉजिटिवली चार्ज चीज है तो फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव थोड़ी भागेगी सोचो ना इलेक्ट्रॉन क्यों नेगेटिव से पॉजिटिव भाग रहा है ये बताओ इलेक्ट्रॉन क्यों नेगेटिव से पॉजिटिव भाग रहा है ये बताओ इसीलिए क्योंकि इसको यहां से मिल रहा है रिपल्शन और यहां मिल रही है अट्रैक्शन नो yes no? यहां से मिल रहा है रिपल्शन यहां से मिल रही है अट्रैक्शन तो फ्लो बन गया इस तरह से भागने का यानी ये देखो ये बैटरी का पॉजिटिव है बैटरी का नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन 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 ये सब किस तरफ भागेंगे ये सब इस तरफ भागेंगे ऐसे ऐसे भागेंगे समझ गए ना ये किसका फ्लो है बेटा ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ठीक है जी नेगेटिव से रिपेल होकर के पॉजिटिव पर अट्रैक्ट होना हा कि ना नेगेटिव से रिपेल होकर के पॉजिटिव पर क्या होना अट्रैक्ट होना दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो करंट होता है पारंपरिक रूप से उसको क्या माना जाता है कि भाई तू पॉजिटिव है लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं है एक्चुअली में ये करंट होता ही नहीं है असल में इलेक्ट्रॉन ही है जो फ्लो कर रहे होते हैं मतलब जो डीप बात है जो गहरी बात है वो मैंने आपको बता दी गहरी बात यही है अंदर की बात यही है मन के अंदर की बात यही है हर फिजिक्स वाले के कि भाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो फ्लो करते हैं लेकिन परंपरा से यह माना जाता था हमारे पूर्वज यह माना करते थे यूरोपियन पूर्वजों की बात कर रहा हूं भारतीय पूर्वजों की नहीं यूरोपियन पूर्वजों की बात कर रहा हूं वो ये मानते थे कि यार करंट जैसी चीज ना नेगेटिव तो नहीं हो सकती यह तो पॉजिटिव ही होगी और अगर यह पॉजिटिव होगी तो कहां से कहां चलनी चाहिए यह चलनी चाहिए पॉजिटिव से रिपेल होती हुई नेगेटिव की तरफ बोलो या ना ऐसे ही हो नहीं होगा तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन और ऐसे चलता है।, ठीक है, ना? है इसलिए हम बोलते हैं करंट भाई तू पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है लेकिन क्या यह सच्चाई है क्या नहीं ये सच्चाई नहीं है कन्वेंशनल करंट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती ठीक है ना है ना नॉट एग्जिस्टेड ठीक है ना ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती ठीक है ना अस्तित्व ही नहीं है इसका ठीक है ना ओके okay. और ये फ्लो कहां से कहां 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 से से करता 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 है 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 बस मानते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है ठीक है ना इस पॉजिटिव वाले को ही बोलते हैं बेटा हाइयर पोटेंशियल पर होना नेगेटिव वाले को बोलते हैं लोअर पोटेंशियल पर होना तो दोनों के बीच में क्या है दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है बोलो हा या ना भाई हायर पोटेंशियल से कोई चीज चल करके लोअर पोटेंशियल तक आ रही है हायर का मतलब ऊंचा पोटेंशियल लोअर का मतलब नीचा पोटेंशियल तो ऊंचा नीचे का फर्क है कि नहीं है इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इसी का नाम है वोल्टेज समझ गए ना तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉजिटिव एंड और इस नेगेटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव के बीच का क्या है डिफरेंस है बैटरी के बीच के दोनों जो एंड्स हैं दोनों तरफ जो एंड है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच के अंतर का ही नाम पोटेंशियल डिफरेंस इसी को वोल्टेज कहते हैं तो अगर तो अगर बैटरी पर आपको लगा दिखे अगर बैटरी पर आपको लगा दिखे यहां पर एक लिखा हुआ दो वोल्ट मान लो तो इस दो वोल्ट का मतलब पता क्या इस दो वोल्ट का मतलब है ये जो हायर पोटेंशियल है ना ये दो पर है और ये लोअर पोटेंशियल क्या है जीरो पर है दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बन गया बेटा दो बन गया है ना अच्छा अगर हम बोले कि भाई ये चार पर है तो फिर ये किस पर होगा भाई फिर ये दो पर होगा चार और दो के बीच का डिफरेंस क्या है दो आ गया अच्छा अगर भाई ये चौदह पर है तो फिर ये कितने पर होगा ये बारह पर होगा तो चौदह में से बारह कितना आ गया दो आ गया यानी हम क्या कर रहे हैं यहां जो लिखते हैं ना इसे बोलते हैं वोल्टेज यहां जो लिखते हैं ना इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना हायर में से लोअर को सब्ट्रैक्ट करना तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है करंट फ्लो करता है हमेशा हाइयर से लोअर लेकिन सच्चाई बात यह मन में रखने वाली बात यह किसी से कहने वाली बात नहीं है ये ये वो वो क्या है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन ही है जो सचमुच में फ्लो करते हैं कन्वेंशनल करंट जैसी कोई चीज नहीं होती और पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ फ्लो नहीं करता बस पूर्वजों की बात थी तो हमने उनकी बात का मान रख लिया है ना उनकी बात का कहना रख लिया कि चलो ठीक है तुमने कुछ कुछ रिसर्च करी तुमने कुछ कुछ माना हम उसको मानते हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो इसलिए करंट को हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही दिखाया जाता है बेटा ठीक है ना यहां से चलते दिखाएंगे करंट को ऐसे 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 ठीक है ना ऐसे करंट को दिखाया जाएगा क्लियर है बात पॉजिटिव से नेगेटिव लेकिन सच्चाई बात यह सच बात यह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही इलेक्ट्रॉन चला करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कुछ भी नहीं चला करता ठीक है ना क्योंकि प्रोटॉन तो चल नहीं सकता तो इसलिए कन्वेंशनल करंट को एज अ प्रोटॉन का मोशन ट्रीट कर लो करंट के मोशन को एज अ प्रोटॉन का मोशन ट्रीट कर लो अगर करना ही चाहो तो समझने के लिए सिर्फ लेकिन एक्चुअली पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ भी फ्लो नहीं करता ठीक है जी क्लियर हुई बात विच एंटिटी प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस कौन पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है तो उसका नाम है बैटरी उसका नाम है क्या बैटरी वोल्टेज का सोर्स यही है पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स यही है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है है ना लिखा हुआ ना पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक ही बात है पोटेंशियल डिफरेंस कोई दूसरा नाम क्या दिया गया है वोल्टेज दिया गया ठीक है कैथोड एनोड जो प्रेजेंट है बैटरी के एंड पर देखो लिखा हुआ है कौन पोटेंशियल डिफरेंस देता है बैटरी के एंड्स पर जो कैथोड और एनोड ने अपना अपना चार्ज बना के रखा हुआ है केमिकलों के थ्रू केमिकल्स के थ्रू जो अपना अपना चार्ज बना के रखा हुआ है, उसकी वजह से यहां पर प्लस चार्ज आ जाता है यहां पर माइनस का चार्ज आ जाता है और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये मानते हैं करंट चल रहा है पर सच्ची ये है कि इलेक्ट्रॉन ही है जो नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है ठीक है हाँ तो क्या लिखा हुआ तो रिपल्शन करी, करी जाती है अट्रैक्शन करी जाती है वगैरह वगैरह ठीक है अब आपके मन में दो सवाल आएंगे और एक के बाद एक भी आ सकता है या हो सकता है बाद में आए लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं आपके मन में पहला सवाल यह आएगा कि सर अगर ये काम होता ही रहेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन रिपेल होता ही रहेगा और यहां अट्रैक्ट होता ही रहेगा तो फिर बैटरी कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए बैटरी चलती रहे बैटरी खत्म क्यों हो जाती है फिर क्या यहां से नेगेटिव चार्ज खत्म होने लगता है क्या क्या यहां से पॉजिटिव चार्ज खत्म होने लगता है क्या क्या यहां का हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल ये पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं बचता क्या इसका आंसर है बेटा हाँ ऐसा ही होता है यहां का पॉजिटिव चार्ज खत्म होने लगता है यहां का नेगेटिव चार्ज भी खत्म होने लगता है सर ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है बेटा देखो कोई भी चीज कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज सदा के लिए नहीं होती कोई भी वो चीज जो मटीरियल से मिलकर के बनी है पदार्थ से मिलकर के बनी है वो सदा के लिए यानी हमेशा के लिए नहीं है, है ना ये हमारा शरीर भी हमेशा के लिए नहीं है आपका घर भी हमेशा के लिए नहीं है है ना आपने जो घर बनवाया या आपके पिताजी ने बनवाया या आपके दादाजी ने बनवाया या आपके लक् परदादा जी ने बनवाया आप उसी घर में होदा जाद से ज्यादा इससे पुराने घर कहाँ हैं आपके वो टूट गए होंगे नए बने होंगे एक घर की उम्र क्या होती है सत्तर साल अस्सी साल अच... अगर अच्छे घर बनवाए जाए तो सत्तर अस्सी साल उनकी उम्र होती है अदरवाइज नहीं तो क्या उम्र तो होगी चालीस साल पचास साल दो पीढ़ी तीन पीढ़ी ये रह पाती है एक घर के अंदर है ना उसके बाद घर की हालत कैसी हो जाती है खस्ता हो जाती है जर्जरा जाती है आपने देखे होंगे जो पुराने शहर बने हुए उसमें आजादी के टाइम के घर बने हुए हैं पुराने पुराने टाइम के आजादी घर बने हुए बड़ी सी नक्काशियां कर रखी हैं लकड़ी के घर बने हुए हैं आज वो क्या कर रहे हैं जंग खा रहे हैं है ना गिर जाते हैं या ढहा दिए जाते हैं दो में से एक चीज होती है तो हर चीज एक लाइफ के साथ आती है इस बात का ध्यान रखना चाहे वो चीज लिविंग हो चाहे वो चीज नॉन लिविंग हो हर चीज सदा के लिए नहीं होती आपके बचपन के खिलौने हो सकता है कि आपकी जवानी तक रहे

है ना तो ऐसी बैटरी भी क्या है बेटा ये भी एक मटीरियलिस्टिक चीज ही है इसके इसके अंदर अंदर मसाला है 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 जो जो कंटेंट प्रेजेंट प्रेजेंट रिएक्टेंट वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है किसके अंदर अंदर प्रोडक्ट के है ना भाई केमिकल रिएक्शन ही तो चल रहे हैं इसमें केमिकल रिएक्शन ही तो चल रहा है तो केमिकल रिएक्शन जो चलता है इसकी वजह से इसकी वजह से जो रिएक्टेंट का मसाला है वो प्रोडक्ट के मसाले में कन्वर्ट होने लगता है जब रिएक्टेंट का मसाला प्रोडक्ट के मसाले में कन्वर्ट होगा तो फिर रिएक्टेंट खत्म होता चला जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट 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 होता चला जाएगा जिस दिन सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया उस दिन से बैटरी डेड हो जाएगी उस दिन क्या बोलेंगे बैटरी इज अबाउट टू डाई बैटरी इज डेड नाउ बैटरी इज डेड मैन वॉकिंग बैटरी उस टाइम पर क्या हो चुकी होगी खत्म हो चुकी होगी समझ गए ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का फासला मिट चुका होगा ये दोनों ही सेम पोटेंशियल पर आ चुके होंगे और करंट बंद हो जाएगा समझे बात को ऐसे बैटरी मरती है ऐसे बोलते हैं कि बैटरी जो है वो मर गई है या बैटरी जो है वो खत्म हो गई है समझ में आया तो हर व्यक्ति एक बैटरी के साथ बैटरी के साथ आता है ठीक है और वो सारा दिन सारी जिंदगी फ्लो करता रहता है है ना बहता रहता है यहां से वहां वहां से यहां फिर एक दिन घंटी बजती है और ये बैटरी खत्म हो जाती है फिर वो बंदा फ्लो करना बंद कर देता है सही बात है कि नहीं ऐसा ही होता है जिंदगी में भी है ना तो बिल्कुल बैटरी के साथ भी ऐसा ही है इसके अंदर के रिएक्टेंट जब इसके अंदर के मसाले जब खत्म हो जाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये करंट निकालनी बंद कर, करंट को चलानी बंद धक्के देना बंद कर देगी और धक्के देना बंद हो गया तो फिर करंट चलना भी बंद हो जाएगा समझ में आया दूसरा सवाल बच्चे के दिमाग में यह आता है कि सर आप कह रहे हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा और इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो सर यहां तो इलेक्ट्रॉन जम जाने चाहिए या तो भीड़ लग जानी चाहिए इलेक्ट्रॉन की है ना यहां तो यहां तो हम लंगर लगा लें इलेक्ट्रॉनों का यहां से इलेक्ट्रॉन खत्म करते जा रहे हैं और यहां इलेक्ट्रॉन जमते जा रहे हैं तो जमे जा तो रहे हैं जमे जा रहे हैं जमे इकट्ठे होते जा रहे हैं इकट्ठे होते जा रहे हैं इकट्ठे होते जा रहे तो यहां पर तो सर ये तार मोटी हो जानी चाहिए क्योंकि यहां तो यहां तो इलेक्ट्रॉन अक्यूमुलेट हो गए हैं इकट्ठा हो गए हैं ऐसा नहीं होता असल में होता क्या है पता है ये जो बैटरी का पॉजिटिव वाला चेहरा है ना ये इस इलेक्ट्रॉन को पी जाता है एब्जॉर्ब कर लेता है अट्रैक्ट करेगा ना अट्रैक्ट करके क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा यह जो एब्जॉर्प्शन होगी ना उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ और रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो फिर पीछे से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ऐसा ही होता है कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन अगर आपने सुना हो रिडॉक्स ना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो रिडक्शन चलती है ऑक्सीडेशन ये दोनों इलेक्ट्रॉन पर चलता है कैथोड पर भी एनोड पर भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन चलती रहती है तो इलेक्ट्रॉन पिया जाता है फ्री हो जाता है पीता है फ्री कर देता है पीता है फ्री कर देता है पीता है फ्री फ्री कर कर देता देता है 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 पीता इलेक्ट्रॉन पी गया बैटरी इलेक्ट्रॉन को पी गई पीछे से निकाल दिया पी गई निकाल दिया पी गई निकाल दिया पी गई निकाल दिया, गई निकाल दिया। लगातार फ्लो चलता रहेगा चलता रहेगा बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रॉन चल करके यहां पहुंच जाएगा ठीक है ना यहां से इलेक्ट्रॉन को पी गया ये और इलेक्ट्रॉन चल करके यहां से यहां हो गया फ्री हो गया फिर भागा फिर पी गया फिर फिर निकाल दिया बार फिर भागा फिर पी गया फिर निकाल दिया फिर भागा फिर पी गया फिर निकाल दिया ये चलता रहेगा लगातार ये लगातार चलता रहेगा लेकिन कब तक जब तक सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन ये बैटरी खत्म उस दिन करंट भी खत्म समझ में आया ठीक है जी तो हम समझ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस को समझने का एक और तरीका भी है कि जैसे अंडर ग्रेविटी पानी फ्लो करता है और अगर दोनों बराबर हाइट पर रख दिए जाए तो पानी फ्लो नहीं करता यानी जब तक दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस बना रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा किसकी रहेगी जो ज्यादा हाइट पर है भाई वाटर ये देखो एक टंकी ऊपर रखी हुई है एक टंकी नीचे रखी हुई है दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया तो पानी कहां से कहां फ्लो करेगा नीचे से ऊपर आएगा क्या पानी नहीं भाई नहीं नहीं, नहीं नहीं रूट शूट नहीं चल रहा है यहाँ जायम फ्लो नहीं चल रहा भाई ठीक है ना यहाँ हाइयर से लोअर पानी फ्लो करता है ठीक है ना हाइयर से लोअर पानी क्या करेगा फ्लो करेगा बिल्कुल करेगा सही बात है आप किसी भी चीज को छोड़ो ये नीचे क्यों जा रही है ये वाला पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है ये वाला पोटेंशियल एनर्जी कम है तो हाइयर से लोअर ही पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ट्रेवल करती है ठीक है ना तो फ्लो कब तक चलेगा फ्लो तब तक चलेगा जब तक हम ऐसी सिचुएशन नहीं ले आते है ना यानी दोनों को बराबर लेवल पर नहीं ले आते जिस दिन ये बराबर लेवल पर आ गए उस दिन यहां से यहां पानी का फ्लो यहां से यहां पानी का फ्लो होगा ही नहीं जीरो फ्लो जाएगा समझ गए ना तो यही तो मैं कह रहा था जब तक ये पोटेंशियल का डिफरेंस बना रहेगा तब तक फ्लो चलता रहेगा जिस दिन से का दिया आया? तो एक समझने का तरीका यह भी है जैसे टंकी हायर से लोअर जाती है जिस दिन ये टंकी को बराबर ले आएंगे उस दिन ये टंकियों में से पानी एक्सचेंज नहीं होगा एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा है ना यहां से यहां पानी का फ्लो खत्म ठीक है ना तो सीधी बात है जब तक डिफरेंस बना रहेगा किसका तो पोटेंशियल का है ना जब तक डिफरेंस बना रहेगा किसका पोटेंशियल का वाटर फ्लो करता रहेगा तो है ना और जिस दिन ये डिफरेंस बंद हो गया जो यहां पर हो गया जिस दिन ये डिफरेंस बंद हो गया बंद हो गया फ्लो होना बंद हो जाएगा वाटर का फ्लो जीरो हो जाएगा क्लियर बात क्लियर बात ठीक है ना अब एक काम करते हैं कि वोल्टेज के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली बहुत अच्छे से समझा हमने वोल्टेज को कि वोल्टेज होता क्या है हम एक काम करते हैं वोल्टेज का फॉर्मुला भी डराइव कर लेते हैं ठीक है ना तो वोल्टेज को डिफाइन कैसे किया जाता है फिजिक्स में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा ऐसे डिफाइन किया जाता है कि बैटरी काम कर रही है बोलो हाँ या ना बैटरी वर्क कर रही है सही बात है कि नहीं तो बैटरी जब वर्क करती है किस पर चार्ज पर बैटरी क्या करती है वर्क करती है यहां लिख रहा हूं बैटरी क्या करती है वर्क करती है किस पर चार्ज पर ओके वर्क पर यूनिट चार्ज हां जी यही होता है वोल्टेज यही होता है बेटा वोल्टेज जब चार्ज पर क्या होता है वर्क डन होता है जब किसी चार्ज पर क्या होता है वर्क डन होता है इसी को कहते हैं वोल्टेज इसी को कहा जाता है बेटा वोल्टेज तो अपॉन वोल्टेज इज वॉट वर्कन मैच वॉट डिनोट करते हैं फॉर्मूला दवल्टे। दवल्ली बराबर W बाय क्यू इज यूनिट लिखनी चाहे अगर तो वर्क यूनिट होती है जूल चार्ज की होती है कुलम्ब और वोल्टेज की होती है वोल्ट्स ठीक है तो वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल अपॉन में वन कूलम क्लियर है बात एक वोल्ट का मतलब क्या हुआ एक जूल का वगडन है एक कुलम के चार्ज पर एक जूल का वगडन है एक कुलम के चार्ज पर एक जूल का वगदन है एक कुलम के चार्ज पर ठीक है पर. जी ये देखो कैसे डिफाइन किया गया वन वोल्ट को मैंने आपसे क्या बोला बैटरी काम कर रही है बोलो बैटरी धक्का मार रही है कि नहीं मार रही हां सर मार रही है किस पर मार रही है चार्ज पर मार रही है सही बात है बिल्कुल ठीक बात है तो बैटरी मार रही है धक्का बैटरी मार रही है धक्का मार किस पर रही है चार्ज पर बहुत बढ़िया बस इसी को क्या बोलेंगे इसी को बोलेंगे वोल्टेज इसी को बोलेंगे वोल्टेज अगर मैं बोलूं कि वोल्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक जूल का धक्का लगाए एक कुलम के चार्ज को सर अगर मैं बोलूं कि दो वोल्ट का वोल्टेज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो जूल का धक्का लगाए एक कुलम के चार्ज को सर अगर मैं बोलूं कि 200 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो सो जूल का धक्का लगाए एक कुलम के चार्ज को सर अगर मैं बोलूं ग्यारह हजार वोल्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब खतरनाक ग्यारह जूल का धक्का लगाए एक कुलम के चार्ज को एक कुलम के चार्ज को कितना धक्का लगाए दैट इज कॉल्ड वोल्टेज समझ में आया ऐसे ही डिफाइन कर रखा है देखो जब जूल जूल का 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 वर्क डन हो हो यूनिट यूनिट पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज पर है 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 ना एक जूल का काम हो, एक के हो। का मतलब होता है वन चार्ज, ठीक है? और उसको खिसका दिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे वन वोल्ट ठीक है आप ये लिखोगे और उसके बाद ये लिख करके डब्बा बंद कर दोगे दिस मीन्स के वन वोल्ट को लिखना आपको आ गया एक जूल बटा एक कुलम ठीक है जी क्लियर बात दिस इज वन वोल्ट की डेफिनेशन आइए एक सवाल भी कर लेते हैं वट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड कितना काम करना पड़ता है दो कुलम के चार्ज को बारह वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाने के लिए आप एक काम करो गिवन लिख दो वोल्टेज कितनी है बारह वोल्ट चार्ज कितना है दो कूलम का ठीक है ना और आपको चाहिए डन तो कौन सा फॉर्मूला इन तीनों को मिलाता है अभी अभी देखा सर जी वोल्टेज होता ही क्या है डन अपॉन में चार्ज ठीक है ना तो वोल्टेज है बारह रख दी डन आपको नहीं पता छोड़ दो चार्ज आपको पता है दो है दो जाएगा बारह के साथ ये बन जाएगा चौबीस जूल बस हो गया काम ठीक है जी वकडन कितना हो गया चौबिस बहुत ईजी आगे बढ़ते हैं ठीक है जी बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट ये सर्किट क्या होता है बेटा सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है जो वायर से मिलके बना होता है जिस पर करंट दौड़ता है और इसके साथ साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स भी लगे होते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं भाई बैटरी होती है तो, दौड़ाएगी अप्लाइंसिस लगे होंगे जो कि चलेंगे ठीक है जी इसके अलावा एक की लगी होगी स्विच लगा होगा जो कि ऑन या ऑफ होगा है ना और इसके अलावा क्या होगा इसके अलावा डिफरेंट रेजिस्टेंसिस हो सकती है ठीक है ना और बहुत सारी चीजें भी हो सकती है बहुत सारे अप्लाइंस भी हो सकते हैं कुछ नापने तोलने की मशीनें हो सकती है जैसे एम मीटर वोल्ट मीटर ठीक है ना लेकिन एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन कैसे किया जाता है ये पीछे लिखा हुआ है मैं आपको हाईलाइट करवा के पॉइंट बता देता हूं एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ होता है ठीक बात है वायर से मिलकर बना होता है सही बात है जिस पर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट ठीक है जी ऐसे डिफाइन करते हैं लेकिन ये डेफिनेशन पूरी नहीं है आपको आगे का भी लिखना पड़ेगा एक इलेक्ट्रिक सर्किट किस किस चीजों से मिलकर बनता है ये बनता है इलेक्ट्रिक डिवाइस डिवाइस जोड़ने पड़ेंगे आपको कुछ ना कुछ है ना सोर्स ऑफ एनर्जी यानी बैटरी अरे बोलो हा सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है बेटा सर्किट की बैटरी है वायर्स जिन पर करंट दौड़ेगा और एक स्विच जो कि ऑन या ऑफ करता है ठीक है ना तो ये सर्किट आपको दिख रहा है पीछे बना हुआ इसमें एक बैटरी है पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए की है ऑन या ऑफ करने के लिए एक रियो सेट लगा हुआ इसकी बात आगे जाके करेंगे हम अभी नहीं करेंगे आगे जाके करेंगे ये किस काम आता है ये एम मीटर है एम मीटर करंट तोलता है करंट नापने तोलने का डिवाइस है वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने तोलने का डिवाइस है इसे बोलते हैं वोल्ट मीटर ये करंट नापने के लिए एम मीटर ये वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर और ये लगी हुई है रेजिस्टेंस ये कोई बल्ब हो सकता है दिस इज एनी अप्लायंस यही है वो अप्लायंस जिसकी बात हो रही है

सर्किट डायग्राम जो बना हुआ कुछ इस तरीके से बना हुआ है है ना अपने सिंबल्स का यूज कर रखा है सिंबल्स में आगे दिखा दूंगा आपको कैसे कैसे होते हैं ठीक है ना सिंबल्स आओ देख ही लो ये रहे सिंबल्स एक इलेक्ट्रिक सेल को सिंबल बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होते हैं वो इस तरीके से ठीक है ना प्लग की खुली हुई हो अगर इसका मतलब करंट नहीं चल रहा है ना करंट नहीं चल रहा और अगर क्लोज होगी तो इसका मतलब करंट चल रहा होगा तो करंट विल बी नॉन जीरो इसका मतलब करंट चलेगा अगर बीच में डॉट लगाए तो करंट चलेगा अगर नहीं लगाया तो नहीं चलेगा ठीक है वायर का ज्वाइंट है ऐसे करके ज्वाइंट दिखाया जाता है वायर पर यानी एक करंट आया तो दो में क्या होगा डिवाइड होगा फिर वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग बिना ज्वाइनिंग के वायर्स कैसे क्रॉस करनी है मतलब आपको तो यहां से करंट जो आएगा वो ऊपर का ऊपर निकल जाएगा और जो यहां से करंट आएगा वो सीधे का सीधा निकल जाएगा ऐसे दिखाते हैं बिना ज्वाइनिंग के अगर वो ज्वाइन नहीं हो रखी तो इलेक्ट्रिक बल्ब ठीक है इस सिंबल से इस सिंबल से मत करना ये ये बल्ब ठीक है जिस्टर ऐसे डिनोट होता है होता है, क्या बात करेंगे इसकी अभी फिर आता है रियोस्टेट रियोस्टेट का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं यानी बढ़ा और घटा सकते हैं ठीक है जी को वोल्ट को ए से से वी ऐसे डिनोट किया जाता है ठीक है ना ये सारे सिंबल्स हैं धीरे धीरे याद होंगे एक साथ याद नहीं होते ठीक है सर्किट एलिमेंट्स की एक बार शक्ल देख लो जरा बैटरी एलिमिनेटर ये बैटरी एलिमिनेटर है बैटरी एलिमिनेटर का, का काम होता है यानी बैटरी को हटा देने वाला यानी ये खुद पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा ये वोल्टेज का सोर्स बनता है लैब के अंदर जाओगे ना आप अपनी स्कूल की अगर ले जाए तो नहीं ले जाए तो बोलो कि लेके चलो है ना तो जब लेके आपको जाए तो आप देखोगे कि वहां पर ऐसा करके एक बैटरी एलिमिनेटर रखा गया है जो कि वोल्टेज का सोर्स बन रहा है ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है बेसिकली ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है जो हमारे घर तक स्कूल तक जो बिजली आती है वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में आती है उसको डीसी यानी डायरेक्ट करंट के फॉर्म में चेंज करता है ये इसका बेसिक काम है ठीक है रेजिस्टेंस की बॉक्स है रेजिस्टेंस को बढ़ाना घटाना इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं ठीक है ना यहां पर फिक्स रेजिस्टेंस है यहां पर वेरिएबल रेजिस्टेंस है एक बार जिसको आपने प्लग आउट कर दिया वही वाली रेजिस्टेंस काम करेगी लेकिन यहां पर आप इस स्लाइडर को आगे पीछे करके रेजिस्टेंस को बढ़ा और घटा सकते हो करेंगे बात कैसे काम करता है ठीक है ना ये तो आपके सिलेबस में है कैसे काम करता है वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने के लिए एम मीटर करंट नापने के लिए ये कनेक्टिंग वायर है है ना लपेट रखी है ऐसे ठीक है और ये प्लग की है प्लग की का मतलब ऑन करना या ऑफ करना सर्किट को ठीक है ओके okay. फर्क करते हैं एम मीटर और वोल्ट मीटर के बीच में ठीक है ना मैं अभी जो यहां पर फर्क लिख रहा हूं ठीक है उसमें से आधी बात आपको समझ में नहीं आएगी लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको बात समझ में आने लगेगी ठीक है देखो ये एम मीटर है ये वोल्ट मीटर है आपने कैसे पहचाना देखो वी लिखा हुआ या ए लिखा हुआ बस मैंने ऐसे पहचाना ठीक है एम मीटर क्या करता ये एक डिवाइस है डिवाइस ूज टू मेजर यूज टू मेजर करंट ठीक है करंट को मेजर करने का डिवाइस एम है डिवाइस यूज टू मेजर वोल्टेज ठीक है वोल्टेज को मेजर करने का ये इंस्ट्रूमेंट है ठीक है ये डिवाइस करंट मेजर करता है ये डिवाइस वोल्टेज मेजर करता है ठीक है इसके अलावा करंट नापने का ये जो डिवाइस है बेटा ये हमेशा सीरीज में लगता है ठीक है ना यहां लिख रहा हूं ये एक सीरीज डिवाइस है ठीक है ना सीरीज में कनेक्शन करना आपने इसका ठीक है सीरीज में कनेक्ट करना है इसको आपने ये हमेशा पैरल में ही कनेक्ट होगा ये हमेशा पैरल में ही कनेक्ट होता है सीरीज में कनेक्ट नहीं होता ठीक है जी इसके अलावा तीसरी बात इसकी रेजिस्टेंस को बहुत लो बनाया जाता है रेजिस्टेंस क्या होती है आगे जाके पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है सीरीज पैरल क्या होता है ये भी पढ़ेंगे आगे जाके मैं बोल रहा हूं अभी बस लिख लो इसको आगे समझ में आएंगी चीजें वापस इस पर आ जाएंगे हम ठीक है तो ये सीरीज में कनेक्शन होता है उसका में होता है इसकी रेजिस्टेंस रखी जाती है बहुत लो ठीक है रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नील के बराबर ठीक है ना जीरो के नियर जीरो है है बेटा ये ठीक ना निल ऑलमोस्ट ठीक है और इसकी रेजिस्टेंस को रखा जाता है बहुत हाई इसकी रिस बनाई जाती है क्लोज टू इंफिनिटी इंफिनिटी का मतलब मैथ्स में कुछ और होता है बेटा और फिजिक्स में कुछ और होता है फर्क समझ में आना चाहिए आपको मैथ्स में इंफिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड डिफाइन ही नहीं कर सकते हम हमें पता ही नहीं जी आता पता ही नहीं है डिफाइन ही नहीं हो सकता लेकिन मैथ्स में और फिजिक्स में फर्क यह है कि फिजिक्स का जो इंफिनिटी होता है इसका मतलब होता है औकात से बाहर बहुत ज्यादा हाई बहुत ज्यादा हाई ठीक है ना तो इसकी रिस्टेंस को क्या बनाते हैं बहुत ज्यादा हाई है बनाते हैं एस क्या, होता है, सब क्या होती है ठीक है चलते हैं हम लोग बात करते हैं लॉ की ठीक है ये लॉ क्या होता है देखो आपको पीछे दो फोटोज दिख रही है इसमें एक फोटो पे पानी की हाइट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है और यहां पर पानी की हाइट कुछ कम है ना जहां पर पानी की हाइट ज्यादा है वहां पर अगर टूटी खोली गई टैप खोला गया तो आप देख रहे हो पानी का फ्लो बहुत दूर तक आया हुआ है यहां से यहां तक फ्लो है और यहां पर पानी का फ्लो क्या है कुछ कम है दिख रहा है आराम से देखो आराम से देखो दिख रहा है ना तो अब ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है इसका सीधा सा आंसर पता क्या है इसका सीधा सा आंसर है एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है यहां पर जहां पर हाइट ज्यादा है हम बोलेंगे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है ज्यादा है जहां हाइट कम है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा कम है तो आपको फिर स्पीड भी कम मिल रही है यानी आपको काइनेटिक एनर्जी भी क्या मिल रही है बेटा कम मिल रही है और यहां पर पोटेंशियल ज्यादा थी तो यहां पर कैनेटिक भी क्या मिल रही है ज्यादा मिल रही है सर नाइन्थ क्लास की बातें कर रहे हो आप तो पोटेंशियल एनर्जी कैनेटिक एनर्जी हाँ तो बेटा चीजें लिंक्ड है ना चीजें लिंक्ड है बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर ज्यादा पानी हाइट पर था यानी पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा था अगर बैटरी में भी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा जोर का धक्का पड़ेगा ना याद है जितना ज्यादा वोल्टेज उतना जोर का झूल उतना बड़ा जोर का धक्का जितना जोर का धक्का उतना तेज फ्लो करेगा करंट बोलो हाँ तो यही हो रहा है यहां पर यह एनोलॉजी है बेटा ये एनालॉजी है इससे हम समझ सकते हैं कि जिस पर जिस पर वोल्टेज ज्यादा गिरती है उसी के प्रोपोर्शनल करंट भी क्या होता है जी ज्यादा होता है यानी अगर वोल्टेज अधिक होगी तो करंट भी अधिक होगा यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I, समझ में आया वोल्टेज प्रोपोर्शनल किसके होगा करंट के अगर वोल्टेज ज्यादा तो करंट भी ज्यादा क्लियर बात है क्या? अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं इक्वल टू लगा दूं, तो मुझे constant भी भी करना पड़ेगा। पुरानी है तो की। तो तो की, यही करते हैं हैं, हैं, भाई। भाई पर पर हम का हटा के equal to लगाते हैं। साथ में constant आर को कर कर देते तो डब्बा दिया मैंने, बंद और यह फॉर्मूला बन गया लॉ का फॉर्मूला को क्या बोलते हैं ओम्स लॉ ठीक है क्या बोलते हैं इसको ओम्स टू आई टाइम्स आर ठीक है वोल्टेज क्या होगा करंट टाइम से रेजिस्टेंस होगा ये जो आर आया है ना ये आर कांस्टेंट है पर एक बात का ध्यान रखना कि ये आर हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं होता बेटा ये आर सदा के लिए कांस्टेंट नहीं है ये इस फॉर्मूले का कांस्टेंट है प्लीज इस बात को समझिएगा ये आर इस फॉर्मूले का कांस्टेंट है ये सदा के लिए कांस्टेंट नहीं होता ये आर भी और चीजों पे डिपेंड करता है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे तो वहां मत पूछना कि सर आप तो आर कॉन्सेंट होता है अब आप कह रहे हो कि इन इन चीजों पे डिपेंड करता है अरे ये इस का है ये यूनिवर्सल कॉन्सेंट नहीं है और ओम स्लॉ को यूनिवर्सल लॉ नहीं है जरा डेफिनेशन देखो क्या इसकी आ ओमस्लॉ की डेफिनेशन लिखे देखो इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग Through a conductor is directly proportional to current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied. क्रॉस द एंड ऑफ दंडक्टर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या मतलब बना इस बात का जरा सुनो कहता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में से आई करंट जो फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब कि अगर, अगर आप चाहते हो कि करंट ज्यादा निकले तो वोल्टेज भी क्या करो ज्यादा निकालो आप चाहते हो करंट कम निकले तो वोल्टेज भी क्या करो कम निकालो यानी करंट ज्यादा कैसे आएगा वोल्टेज बढ़ा के करंट कम कैसे आएगा वोल्टेज घटा के यानी वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी करंट भी उतना ज्यादा होगा आया समझ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड यानी वोल्टेज कितनी लगाई, लगाई है ठीक है ना अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अब देखो मैंने आपसे बोला ना कि ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है ऐसे ही नहीं बोला वो मैंने मैंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि भाई ये एक कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है देख रहे हो देख रहे हो ओम्स इज ओनली अप्लाइड फॉर कंडक्टर्स और वो भी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है ठीक है जी और टेम्परेचर भी आपको क्या रखना पड़ेगा कॉन्सेंट रखना पड़ेगा अगर आपने टेम्परेचर को छेड़ा बढ़ाया घटाया तार को गर्म कर दिया तार को ठंडी कर दिया ओम्स लॉ काम नहीं करेगा ध्यान रहेगी बात ठीक है जी फॉर्मुला बना वी इज इक्वल टू आई आर वोल्टेज इक्वल टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस बात करते हैं रेजिस्टेंस कौन है? है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कर रहे हैं। है कौन? देखो रेजिस्टेंस की हिंदी होती है बेटा रुकावट ठीक है ना रुकावट किसके रास्ते में कौन मूव करना चाहता है करंट मूव करना चाहता है चार्ज मूव करना चाहता है तो चार्ज के रास्ते में कौन रुकावट बन रहा है भाई उसी के पड़ोसी उसी के पड़ोसी हैं जो पंगे कर रहे हैं है ना देखो भाई कोई भी वायर कोई भी वायर में जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो आपके आपके अनुसार आपको शायद ये लगता हो कि भाई जैसे पानी फ्लो करता है है ना निर्मल बहती कल 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 नदियां ऐसे कल 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 नहीं बहता भाई इलेक्ट्रॉन <laughs> इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन का इतना नर्... निर्मल जल की तरह नहीं बहता ये है, है ना ये कैसे बहता होता है ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन रस्ते में बैठे एटम्स से रस्ते में एटम्स जो बैठे हैं उनसे टकराता हुआ जाता है इसका रास्ता उतना आसान नहीं है टक 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 ऐसे जाएगा ये समझ रहे हो ना रस्ते में कौन बैठे इलेक्ट्रॉन बैठे उनके साथ खिसक खिसक के खिसक लड़ाई लड़ाई लड़ता लड़ता लड़ाई लड़ता लड़ता निकलता ये इसलिए इलेक्ट्रॉन का मोशन बहुत ज्यादा तेज नहीं होता बहुत धीरे 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 खिसक के जाता है ठीक है ना लेकिन सबके सब इलेक्ट्रॉन सब वैसे ही खिसकते हैं इसलिए करंट का फ्लो बन जाता है समझ गए तो इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे रगड़ रगड़ के घिसड़ घिसड़ के जाता है पीछे से बैटरी धक्का मारती है बोलती है चल वो चल पड़ता है फिर टकराता गिर जाता है फिर बोलती है चल चल पड़ता है फिर टकराता गिर जाता है फिर बोलती है चल चल पड़ता है फिर टकराता गिर जाता है जब जब ये टक्कर होती है गर्मी पैदा होती है बोलो हाँ या ना जब जब ये टक्कर होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी मोशन वाली एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वो वायर गर्म हो जाती है आपको पता है ना कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस आप चला के देख लो वो आपको गर्म मिलता है हाँ की ना गर्म मिलता है ना उसके पीछे रीजन यही है ठीक है जी तो जो गर्मी निकलती है ना भाई चीजों से दैट इज ड्यू टू कोलिजन कोलिजन होते हैं ठीक है ना इसी से रेजिस्टेंस ऑफर होती है बेटा इसी से रेजिस्टेंस पैदा होती है ठीक है तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा देखो क्या ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर अगेंस्ट फ्लो ऑफ करंट ठीक है करंट के फ्लो के अगेंस्ट करंट के फ्लो के अगेंस्ट जो अपोजिशन ऑफर होती है किसके द्वारा दूसरे एटम्स के द्वारा है ना करंट का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जब फ्लो होता है यानी चलते हैं जब वो तो एटम्स टकराते हैं उनसे है ना एटम्स क्या होती है भाई टक्कर होती है कोलिजन होता है कोलाइड करते हैं एक दूसरे सर कोलिजन होगा कोलाइड करेंगे तो भाई ये काम तो होना ही है ठीक है जी आओ रेजिस्टेंस को डिनोट करवा लेते हैं हम लोग आर से बेटा डिनोट करते हैं इसको ठीक है, आर से है और ऐसा यूनिट होती है ऐसा यूनिट है इसकी ओम ये सिंबल से डिनोट होता है ठीक है इस सिंबल से डिनोट करते हैं ओम को ठीक है ओ एच एम ओम ठीक है अब यहां पर फोटो भी देख सकते हो बढ़िया सी लगी हुई है वोल्टेज मार रही है धक्का एम्पियर को बोल रही है करंट निकल करंट निकल लेकिन देखो ओम ने क्या कर रखा है resistance ने क्या कर रखा है उसको पकड़ रखा है है ना रस्सी बांध रखी है तो कैसे निकलेगा तेरी ऐसी की तैसी निकल के दिखा है ना वो पीछे धक्का मार रही है निकल 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 वो कह रहा है कैसे निकलेगा ये चल रहा है ठीक है ना ये काम चलता रहता है हमेशा रेजिस्टेंस इज अनअवॉडेबल इनएविटेबल ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि रेजिस्टेंस ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि करंट चले करंट बहे और रेजिस्टेंस जीरो हो जीरो तो कभी नहीं हो सकती भाई कभी नहीं हो सकती जैसे फ्रिक्शन है ना वैक्यूम में ही जीरो होगी ठीक है ना ऐसे रेजिस्टेंस है कि भाई उसका जीरो होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप सोचो ना हमेशा एटम होंगे ही होंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हमेशा कोई ना कोई पंगा डालेगा डालेगा ऐसा ही नहीं सकता कि कोई एटम ना हो खाली हो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए अरे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और एटम ही ना होगा तो फिर और इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे एटम ही तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बात ही है ठीक है तो इसलिए कभी भी रिस्टेंस exactly सकती ठीक है ना नॉट पॉसिबल ठीक है तो रुकावट कौन पैदा कर रहा है बेटा रेजिस्टेंस ही पैदा कर रही है ठीक है जी आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि भाई हमें एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पढ़ना पड़ता है वोल्टेज और करंट का ग्राफ हमको पढ़ना पड़ता है तो होता क्या कि हमको वैल्यूज दी होती है बेसिकली ये वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के अंडर है ठीक है ना होगा क्या आपको लैब में लेके जाया जाएगा अब यहां पर तो पॉसिबल नहीं है क्रिएट करना लेकिन आप समझ लो इस बात को आपको लैब में लेके जाया जाएगा ठीक है ना अपेरेटस आपको ज्वाइन करवाए जाएंगे और उसके बाद बैटरी एलिमिनेटर जो देखा था ना उसको वो टक 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 घुमाएंगे नॉब घूमेगी नॉब घुमाएंगे वोल्टेज बढ़ाएंगे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी ना आप देखोगे कि वोल्ट मीटर की सुई जो है वो रीडिंग दिखानी चालू हो गई है और वोल्ट मीटर की सुई रीडिंग दिखानी चालू हुई है ना तो साथ के साथ करंट की भी सुई ने रीडिंग दिखाना चालू कर दिया है तो जब आप वोल्टेज को डबल करते हो तो करंट की वैल्यू भी डबल दिखती है आप वोल्टेज को तीन गुना करते हो तो करंट की वैल्यू भी तीन गुना हो जाती है अपनी वैल्यू से यानी जिस प्रोपोर्शन में वोल्टेज बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में क्या बढ़ता है बेटा करंट बढ़ता है यानी V और I आपस में क्या होते प्रोपोर्शनल होते है ना तो जब दो वेरिएबल्स प्रोपोर्शन होंगे एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होंगे एक दूसरे से तो उन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा यानी आपको जो वैल्यूज दी जाएंगी y एक्सिस पर आप वोल्टेज को रखो x एक्सिस पर आप करंट को रखो जो इन दोनों के बीच में वैल्यूज दी जाएंगी बेटा आपको है ना वो यहां पर टिकाते जाओ और प्लॉटिंग कर लो प्लॉट कर लो यहां प्लॉट किया आपने फिर यहां कुछ वैल्यू आई कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वोल्टेज का कुछ करंट आया कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वोल्टेज का कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग करंट आया आप सबको प्लॉट कर लो प्लॉट करके कर जो लाइन आएगी वो बेटा हमेशा क्या होगी वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी वो हमेशा एक लीनियर कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा इसका मतलब ये कि भाई दोनों क्या है आपस में प्रोपोर्शनल है जैसे वाई प्रोपोर्शनल एक्स होता है वैसे ही वी प्रोपोर्शनल क्या होगा आई होगा और हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे इक्वल टू लगाएंगे तो साथ में क्या आएगा बेटा आर आएगा है ना तो बेसिकली दिस रेजिस्टेंस इज वॉट वी डिवाइड बाई आई तो क्या करते हैं बताए है? क्या करते हैं बताए है? इस ग्राफ का ना स्लोप निकालते हैं अगर आप वी ग्राफ का स्लोप निकालो ध्यान से सुनना बेटा किसका स्लोप निकाल रहे हैं वी का तो स्लोप हमेशा होता है वाई पर रखी चीज को एक्स पर रखी चीज से डिवाइड करना ध्यान रखना ठीक है अगर आप स्लोप निकाल रहे हो तो वाई पर रखी चीज एक्स पर रखी चीज से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी भाई वाई पर क्या रखा हुआ है वाई पर रखा हुआ है सर वोल्टेज को और एक्स पर रखा हुआ है सर करंट को वी डिवाइड बाई आई क्या होता है बेटा आर होता है यानी आप कभी भी स्लोप निकालोगे ना वी आई का तो वो आपको क्या देगा रेजिस्टेंस देगा समझ में आया आप कभी भी अगर स्लोप निकालोगे स्लोप निकालोगे आई ग्राफ का इट विल गिव यू रेजिस्टेंस वी आई ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा रेजिस्टेंस देगा और अगर आप आईवी का स्लोप निकालो तो आप समझ लेना कि भाई इस बार कैसा ग्राफ बनाया गया आई वी ग्राफ बनाया गया आई वी आई और वी का ग्राफ और ऐसे चढ़ता हुआ है वो वो आई और वी का ग्राफ ऐसे चढ़ता हुआ है है ठीक ना तो ऐसा ग्राफ मान लो अगर बना हुआ है ठीक है तो y डिवाइड बाय x करोगे फिर से आप y डिवाइड बाय x करोगे फिर से आप इस बार आप i को डिवाइड करोगे किससे v से तो दिस विल बिकम वन बाय आर ध्यान रखना बेटा ध्यान रखना बेटा अगर वी आई ग्राफ दे रखा है यहां पर वी है यहां पर आई है तो स्लोप आर देगा ठीक है और अगर आई वी ग्राफ हुआ तो वन बाई आर देगा तो भाई ऐसे सवाल आपको मिलेंगे पास्ट ईयर में बोर्ड में दिए हुए ठीक है ना अभी पी क्यू करवाने का मेरे पास बहुत सारा समय नहीं है नहीं तो प्रैक्टिस तो बहुत सारी हो सकती थी यहां पर हम वन शॉट लेक्चर करवा रहे हैं तो इसलिए खुद से प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी भाई आपको प्रीवियस ईयर बुक उठानी पड़ेगी वहां पर आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे ऐसे वाले ठीक है कि उल्टा दे रखा है आईवी दे रखा है आई भी दे रखा है है ठीक ना और पूछा हुआ किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है किसकी कम है ठीक है तो ऐसे ऐसे सवालों के लिए आप तैयार रहिएगा ठीक है एक सवाल मैं आपको करवाई देता हूं यहां पर देखो मान लो कि भाई एक ग्राफ है ठीक है दो कंडक्टर्स की स्टडी करी गई ए और बी किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी दोनों में से ए की या बी की किसकी ज्यादा होगी तो भाई जिसका स्लोप बड़ा होगा स्लोप का मतलब होता है चढ़ाई ए की चढ़ाई ज्यादा है बी की कम है हा की ना तो स्लोप जिसका बड़ा स्लोप है ए का बड़ा है ना स्लोप ए का बड़ा है बी से ठीक है और ये स्लोप है किस चीज का ये वी आई है या आई वी है बताओ सर ये वी आई है वी आई का स्लोप हमको क्या देता है आर देता है तो स्लोप अगर ए का बड़ा है तो आर ए बड़ा होगा आर बी से सिंपल ठीक है लेकिन ऐसे ही मान लो अगर ग्राफ आया हुआ हो आईवी का आई वी ग्राफ आया हुआ हो और बोल रखा हो ये x है ये y है तो किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो भाई इस बार जिसका स्लोप कम होगा ना उसकी ज्यादा होगी क्योंकि ग्राफ उल्टा है से? आर से. समझ लेना इस बात को ठीक है ना बाकी प्रैक्टिस आप करोगे तो चीजें और निखरती जाएंगी ठीक है आइए सवाल करते हैं भाई हाउ मच करंट इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम टू ट्वेंटी फिलामेंट की छोटा सा सवाल जरूर लाया हूं ताकि आपको फॉर्मूला लगाने की आदत तो पड़े फॉर्मूला लगाने की आदत तो पड़ जाए भाई ठीक है तो इसलिए मैं एक सवाल जरूर लेकर के आया हूं हर कॉन्सेप्ट को करवाने के बाद है ना हमने करंट किया हमने चार्ज किया हमने वोल्टेज किया हमने रेजिस्टेंस किया सबके लिए हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं चलो V है 220 I तो है ही है और R कितना है R है 1200 तो I आ जाएगा बेटा 220 बीस डिवाइड बाय बारह काटो 11 बटा साठ ठीक है ना बाकी आप इसको खुद भी निकाल सकते थे इसको डेसिमल में कर लेना बेटा कन्वर्ट और कुछ नहीं है इसके अंदर ठीक है आगे बढ़ते हैं तो देखो जैसा मैंने आपको आपको कहा था ना टेबल दी होगी कुछ वैल्यूज दी होंगी आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा ये आपके लिए होमवर्क है बेटा ठीक है ये होमवर्क में ये मैं नहीं करवा रहा ये आप खुद करोगे ठीक है देखो करंट की वैल्यूज दे रखी है आपको पांच रीडिंग ली होंगी वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है आपको पांच रीडिंग ली होगी आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है सबसे पहले देखो लिखा हुआ है ग्राफ ठीक है ना और उसके बाद रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ठीक है देखो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना मैं आपको सिखा देता हूं आप जब इसका स्लोप निकालोगे ना वी का बेसिकली आप क्या करते हो तब आप वाई पर रखी चीज को एक्स पर रखी चीज से डिवाइड करते हो यस और नो तो वाई पर रखा हुआ वोल्टेज तो हम वोल्टेज का चेंज ऊपर रखेंगे और करंट का चेंज नीचे रखेंगे बात समझ में आती है है भाई ये वी ग्राफ है ना आप ऐसा ग्राफ ही तो बनाओगे आई थोड़ी बनाओगे वी बनाओगे है ना तो वी ग्राफ ऐसा बनेगा आपका ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन है ना ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन ठीक है तो ऊपर रहेगा डेल्टा वी नीचे रहेगा डेल्टा आई ठीक है ना डेल्टा वी विल बी वी टू माइनस वी वन और डेल्टा आई विल बी आई टू माइनस आई वन अब आप सोचोगे सर वी टू क्या लेन क्या ले तो मैंने इसके लिए आपको एक जुगाड़ जो मैं खुद बताता हूं वो आपको ही बता देता हूं आपने क्या करना है आपने कोने कोने वाली वैल्यू पकड़ लेनी है कोने कोने वाली वैल्यू पकड़ लेनी है कोने कोने वाली वैल्यू कौन सी हो गई एक हो गया आठ और एक हो गया वन पॉइंट सिक्स ये वोल्टेज की दो कोने वाली वैल्यूज है ऐसी करंट की भी कोने वाली वैल्यू कौन सी है एक ढाई और एक आधा बस आपने क्या करना है कोने कोने वाली वैल्यू को सब कर दो आठ है माइनस किया वन पॉइंट सिक्स करंट कितना है ढाई माइनस किया जीरो पॉइंट फाइव से ठीक है कैलकुलेट करके जो आप आंसर निकालोगे ना वो रिस्टेंस होगी बोलो हाँ या ना अरे वी डिवाइड बाई आई कर रहे हो स्लोप फाइंड कर रहे हो वी आई का स्लोप फाइंड करने का मतलब क्या होता है बेटा स्लोप वीआई का क्या देता है स्लोप वीआई का देता है रेजिस्टेंस ऊपर भी नीचे आई है ना तो जो भी आंसर निकलेगा वो क्या देगा बेटा ओम देगा हिंट शिट सारे मैंने आपको बता दिए होमवर्क आपको दे रखा है खुद करना है इसको अब खुद से ठीक है ना मैंने इसको फिर भी थोड़ा बहुत कर दिया सॉल्व लेकिन आपको खुद से करना है ठीक है तो मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूं एंड आंसर आप कमेंट्स में लिखेंगे ठीक है चलिए बात करते हैं कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस इसका मतलब यह हुआ कि जो रेजिस्टेंस होती है किसी वायर में है ना वो किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है यानी उसको फर्क पड़ता है तो भाई चार फैक्टर्स हैं फटाफट से बता देता हूं चार फैक्टर्स होते हैं नंबर एक तार की लंबाई लेंथ ऑफ द वायर ठीक है इसे डिनोट करते हैं एल से और लंबाई की यूनिट क्या होती है बेटा मीटर होती है पता होना चाहिए आपको दूसरा है बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर ए से डिनोट होता है इसका मतलब होता तार की मोटाई और सिलेंडर को साइड से देखो तो क्या दिखता है सर्कल तो ये सर्कल ही है और सर्कल का मतलब एरिया क्या हुआ एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर बोलो ना तो कभी अगर रेडियस के फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भाई आपने पाई पाईआर स्क्वायर करना पड़ेगा तब एरिया निकलेगा उसका ठीक है ना दिस एरिया इज वॉट दिस एरिया इज पाई आर है बेटा ठीक है यूनिट क्या है ना यूनिट क्या है इसकी बेटा यूनिट है इसकी मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ठीक है तो तार की लंबाई एल से डिनोट तार की मोटाई ए से डिनोट मोटाई का यूनिट मीटर स्क्वायर लंबाई का यूनिट मीटर तीसरी जो फैक्टर है तीसरी जो चीज है वो है मटेरियल ऑफ द वायर तार किस चीज की बनी हुई है सब्सटेंस कौन सा है ठीक है इसे डिनोट करते हैं बेटा रो से इस सिंबल का नाम है रो सिंबल का नाम है ये रो ठीक है एंड दिस डिनोट्स रेजिस्टिविटी आप कहोगे सर अभी रेजिस्टेंस बोल रहे थे अब अचानक से पीटी पीटी करने लगे भाई ये रेजिस्टिविटी कुछ और होता है रेजिस्टेंस इज डिफरेंट रेजिस्टिविटी इज डिफरेंट दोनों पर बात करेंगे डिटेल में करेंगे चिंता वाली बात नहीं है दोनों पर बात होगी टेंशन ना लो ठीक है इस रेजिस्टिविटी के ऊपर भी बातें करेंगे नो टेंशन ठीक है ना इसकी यूनिट होती है बेटा ओम मीटर ओम मीटर ओम मीटर ठीक है ये यूनिट होती है मटेरियल ऑफ द वायर की इसके अलावा फोर्थ चौथी चीज भी है वो है तापमान टेम्परेचर ऑफ द वायर वो है टेम्परेचर ऑफ द वायर ठीक है और इसको किसी से डिनोट विनोट करने की जरूरत नहीं है रीजन के फॉर्मूले में नहीं आता तो क्यों पंगे लेने हैं ठीक है ओके तो अब चारों फैक्टर्स को मैं समझा देता हूं एक एक करके सबसे पहला है बेटा लंबाई तार जितनी ज्यादा लंबी होगी सोचना जरा तार जितनी ज्यादा लंबी होगी इलेक्ट्रॉन को निकलने में टक 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 उतनी ही ज्यादा दिक्कत आई है बोलो हाँ रेजिस्टेंस जो होती है यानी रुकावट जो होती है वो लंबाई के प्रोपोर्शनल होती है तार जितनी लंबी रुकावट उतनी ज्यादा इसलिए तार की लेंथ कभी भी फालतू नहीं बनाते हमेशा अप्रोप्रीएट बनाते हैं कोई भी अप्लायंस वाला हो है ना कोई भी अप्लायंस बनाने वाला हो तार की लंबाई को छोटा ही रखता है या फिर अप्रोप्रिएट रखता है लंबी नहीं देता तार के भाई तो लंबी तार ले जाओ ना क्योंकि जितनी लंबी तार होगी ना रुकावट उतनी ज्यादा बढ़ेगी करंट उतना ही कम चलेगा बोलो या ना अरे लंबाई जितनी ज्यादा रुकावट उतनी ज्यादा करंट उतना ही क्या चलेगा बेटा कम चलेगा तो रेजिस्टेंस क्या होती है लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है ठीक है ना लेकिन मोटाई के होती है इनवर्सली क्यों सर सोचो एक क्रॉस सेक्शन एरिया है पतला सा एक क्रॉस सेक्शन एरिया है मोटा सा पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और पर यूनिट टाइम में जो चार्ज निकलेगा वो मोटे में ज्यादा निकलेगा हाँ या ना

तीसरी चीज है मटीरियल मटीरियल कैसा है भाई वायर का इस पर भी डिपेंड करता है अगर मैंने आपको लकड़ी दे दी तो करंट फ्लो करके दिखा दोगे क्या कांच दे दिया तो करंट फ्लो हो जाएगा क्या प्लास्टिक दे दिया तो करंट फ्लो हो जाएगा क्या रबर दे दिया तो करंट फ्लो हो जाएगा क्या नहीं कपड़ा दे दिया तो करंट फ्लो हो जाएगा क्या नहीं मटेरियल ही ऐसा नहीं है मटेरियल ही उस लायक नहीं है कि उसमें से करंट फ्लो हो सके है ना तो वो बात कौन डिसाइड करेगा वो बात डिसाइड करेगी रेजिस्टिविटी की वैल्यू हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग होती है हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी एक टर्म है बताऊंगा क्या होती है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है ठीक है ना तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी ज्यादा होगी यानी जिसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है ना इसका मतलब वो अच्छा इंसुलेटर है अच्छा कंडक्टर नहीं है वो है ना रेजिस्टिविटी का मतलब मटीरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है ना ये क्या है ये मटेरियल टू मटेरियल क्या करती है वेरी करती है मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है लास्ट में आता है तापमान टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है बेटा रेजिस्टेंस भी बढ़ती है ठीक है लेकिन एक फॉर्मुले में इसको नहीं लेकर के आएंगे आप फॉर्मुला इसका अलग बनता है साथ में फॉर्मुले में नहीं लेकर के आता इसको लेकिन इस बात को समझ लो आपके टेम्परेचर के बढ़ाने से भी रुकावट बढ़ती है कैसे होता है सोचो मान लो आपने गली में अपने नीचे उतरना है आपके घर के सामने जो गली है वहां अपने नीचे उतरना लेकिन वहां पर टेंट लगा हुआ है टेंट लगा हुआ है लोग नाच रहे हैं लोग गा रहे हैं लोग खा रहे हैं लोग पी रहे हैं लोग डीजे पे नाच रहे हैं सब चीज़ें चल रही है, है ना तो आपके लिए निकलना आसान होगा या मुश्किल होगा सीधी सी बात है कि आपको अगर बाजार में किसी बाजार में से निकल के जाना पड़े या ऐसे टेंट लगा हुआ वहां से निकल के जाना पड़े तो बड़ा मुश्किल होगा दिक्कत ही होती है आसपास वालों को तो निकल के जाने में सही बात है या तो आपको इनवाइट किया जाए वहां अगर इनवाइट नहीं किया गया तो ज़्यादा दिक्कत होती है है ना तो 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 आपका निकलना क्या होगा मुश्किल होगा यानी जहां पर भीड़ भड़ाका ज्यादा है तापमान ज्यादा है लोग नाच रहे हैं घूम रहे हैं खा रहे हैं पी रहे बाजार लगा हुआ है मान लो है ना आपके घर के नीचे मान लो बाजार लगा हुआ है तो जिस दिन बाजार लगता है उस दिन निकलना वहां से क्या होगा मुश्किल होगा सोचो ठीक है जी तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है वायर का तो वाइब्रेशन ज्यादा होती है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज तेज से क्या कर रहे होंगे वाइब्रेट कर रहे होंगे ज्यादा ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन का निकलना और मुश्किल हो जाएगा रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा और बढ़ जाएगी हाँ की ना सही बात है क्या नहीं तो ये कहानी है किसके साथ जुड़ी हुई फैक्टर्स के साथ जुड़ी हुई अब हम बनाते हैं फॉर्मूला फॉर्मूला बनाने की देखो तो रेजिस्टेंस का पर्सनल फॉर्मूला पर है जो जिन बातों पर वो डिपेंड करता है उनसे मिलकर के वो बना हुआ है ठीक है ना तो फॉर्मूला है कुछ ऐसा कि आपने देखा कि आर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एल के आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के अगर मैं दोनों को क्लब कर दूं इकट्ठा कर दूं तो ये बन जाएगा आर प्रपोशनल एलवाई पोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा इक्वल टू लगाऊंगा बोलो हां तो मुझे कॉन्सेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सही बात है सर तो वो कॉन्सटेंट इस रो से बढ़िया कोई नहीं हो सकता क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए क्या होती है कॉन्स्टेंट होती है तो दिस स्टैंड कॉन्स्टेंट हेयर रो एल बाई यस अगर मटीरियल चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगी है ना अगर मटीरियल चेंज कर दिया आपने तब तो चेंज हो जाएगी लेकिन अगर आपने मटेरियल चेंज नहीं किया तो फिर ये क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी ठीक है तो दिस रो इज कॉन्स्टेंट हेयर दिस रेजिस्टिविटी इज कॉन्स्टेंट इन दिस फॉर्मूला ठीक है अब आप ये सोचोगे सर जो आपने यहां पर यूनिट लिखी थी ओम मीटर वो कैसे लिख दी आपके सिलेबस में इसको निकालना भी है आओ इसको निकालते हैं आइए इसे निकालें कि ये आता कहां से ये ओम मीटर आया कहां से देखो जरा हम निकाल रहे हैं क्या हम डिराइव कर रहे हैं क्या इविंग दस आई यूनिट ऑफ रो ठीक है जी रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट को क्या करेंगे हम डिराइव करेंगे ठीक है डिराइव करने वाले फॉर्मुला समझ में आ गया ना देखो आर किस किस पर डिपेंड कर रहा है रो पर यानी मटीरियल पर लंबाई पर और मोटाई पर ठीक है ना लंबाई पर डायरेक्टली इस पर भी डायरेक्टली और इस पर कैसा इनवर्सली ठीक आउ एक बात बताओ आपने इसको किस फॉर्मूला में देखा है सर इस फॉर्मुला में देखा है आपने तो इसको है ना तो जिस फॉर्मुला में देखा है आपने इसको वो फॉर्मूला यहां पर लिख दो लिख दिया ठीक है ना भाई जिस फॉर्मूला में लिखा है आपने इसको देखा है वही फॉर्मूला उठा करके यहां पर लिख दो लिख दिया आप एक बार बताओ इनमें से आप किस किस की यूनिट को जानते हो पहले से सर हम तो आर को पहले से जानते हैं क्या यूनिट है आर की सर आर की यूनिट है ओम अच्छा इसकी यूनिट को जानते हो क्या रोके अरे सर यही तो निकाल रहे हैं क्या मजाक कर रहे हो अच्छा बेटा ठीक है इसकी यूनिट को नहीं जानते ना तो इसको चुपचाप वैसे रख दो जिसकी यूनिट को जानते हो उसकी यूनिट को रख दो जिसकी नहीं जानते हो मत रखो जिसकी नहीं जानते हो जिसकी निकालनी है उसको वैसे ही छोड़ दो ठीक है लेंथ यूनिट क्या है सर लेंथ यूनिट है मीटर एरिया की यूनिट क्या होती है सर बचपन से जानते हैं मीटर स्क्वायर तो एक मीटर से एक मीटर कट गया ये मीटर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बन जाएगा बेटा ओम मीटर ठीक है जी क्या बन गई रिस्टिविटी ओम मीटर ओमेगा एम ओमेगा एम बोलते हैं इसको ठीक है ना ओम मीटर समझ में आ गई बात तो रेजिस्टिविटी यूनिट क्या बन गई बेटा ओमेगा एम ओम मीटर क्लियर है यहां फिर इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओम मीटर या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए ठीक है जी तो ऐसे करके डिराइव कर लिया जाता है किसको ऐसा यूनिट को रो के ठीक है बात करते हैं यार ये रो है क्या है ना ये रेजिस्टिविटी होता क्या है तो मैं काम कर रहा हूं कि मैं यहां पर ना रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में फर्क लेकर के आऊं ताकि आपको साफ साफ क्लियर हो जाए सामने सामने दिख जाए कि भाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या है और रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है तो, तो बच्चा ना कंफ्यूज रहता है तो देखो मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस की हिंदी होती है रुकावट हिंदी से समझो रेजिस्टेंस की हिंदी क्या है रुकावट और रेजिस्टिविटी की हिंदी होती है रोक पाने की क्षमता तो रोक पाने की क्षमता किसकी होगी किसी मटेरियल की होगी तो ये क्या ये है रेजिस्टिविटी है रोक पाने की क्षमता कि कोई ऑब्जेक्ट कितना रोक पा रहा है और सोचो और सोचो जो रोक ज्यादा पाएगा वो रोकेगा भी ज्यादा है ना भाई अरे बात को समझो ना जो खाता ज्यादा वो खाएगा भी ज्यादा जो पीता ज्यादा वो पिएगा भी ज्यादा जो सोता ज्यादा वो सोएगा भी ज्यादा जो पढ़ाता ज्यादा वो पढ़ाएगा भी ज्यादा तुम पढ़ सको ज्यादा तो पढ़ लो ज्यादा ठीक है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है जो करंट को ज्यादा रोकने की क्षमता रखता है जो करंट को ज्यादा रोकने की क्षमता रखेगा वो रोकेगा भी ज्यादा ठीक तो है तो रेजिस्टेंस की हिंदी होती है रुकावट और रेजिस्टिविटी की हिंदी होती है रोक पाने की क्षमता तो क्षमता तो मटीरियल टू मटीरियल अलग अलग हो सकती है ना यार तो यही बात है कि यह मटीरियल टू मटीरियल क्या करती है वेरी करती है है ना और इसके बारे में हमने बात करी ली कि ये इन सब चीजों पे ये खुद इस पर डिपेंड करती है ये खुद इस पर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस तो खुद रिस्टिविटी पर डिपेंड करती है हां की ना चलिए दोनों के बीच में डिफरेंस लिखते हैं ऑफर्ड बाय ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कौन ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम्स या पार्टिकल्स ऑफ कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट है ना तो रेसिटिविटी क्या है ये है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है ना इट इज द इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल ठीक है टू अपोज फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर क्लियर बात रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से और आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस के फॉर्मुला में खुद रेजिस्टिविटी आता है है ना याद रहेगा SI यूनिट ओम SI यूनिट ओम मीटर किस पर डिपेंड करती है ये तो डिपेंड करती है एल पर ए पर खुद रो पर और टेम्परेचर पर बोलो हा या ना है ना और ये किस पे डिपेंड करता है बेटा ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग होता है ठीक है ना डिपेंड्स ऑन मटेरियल ठीक है ना लेकिन ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है बेटा ठीक है ना इस पर अलग उस पर अलग इस, इसकी टेम्परेचर की डिपेंडेंसी अलग है और इसकी टेम्परेचर की डिपेंडेंसी क्या है अलग है ध्यान रखना डिपेंड्स ऑन मटेरियल ठीक है ना और टेम्परेचर भी तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रो भी बढ़ती है ठीक है जी ये मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी दोनों के बारे में ठीक है ना अब मैं साइड रहा एक बार आराम से देख लो दोनों को चिंता वाली बात नहीं है दोनों के बीच में फर्क आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच में आपको फर्क करना आना चाहिए ठीक है एक क्षमता है मटेरियल की और दूसरी क्रिया है मटेरियल की है ना मटेरियल की प्रॉपर्टी है और वो वाली मटेरियल की मटेरियल का काम है वो उसको ने करना ही है रेजिस्टेंस तो रुकावट ही है वो तो पैदा करेगा ही करेगा रुकावट तो पैदा होगी ही हो होगी है ना लेकिन ये क्या है ये कितनी रुकावट पैदा होगी उसकी बात है ठीक है तो इसीलिए कुछ वैल्यूज भी अपने को देखनी चाहिए कि कौन कितनी रुकावट पैदा कर सकता है कौन कितनी रुकावट पैदा कर सकता है आओ देखो सबसे पहले बात होती है कंडक्टर्स की आप एक बार बताओ क्या कंडक्टर को ज्यादा रुकावट पैदा करनी चाहिए क्या नहीं ना तो इसका रो जनरली क्या होता है काफी कम होता है वैल्यूज चेक कर लो जरा माइनस एट माइनस एट टेन की पावर माइनस एट माइनस एट माइनस एट माइनस सिक्स माइनस सिक्स देख रहे हो फिर आते इनका रो ठीक ठाक होता है मीडियम लेवल है ना मीडियम होता है इनका रो तो कॉन्स्टेंटन एक अलॉय मैंगन एक अलॉय नाइक्रोम एक अलॉय है देखो फोर्टी नाइन फोर्टी फोर हंड्रेड इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स माइनस सिक्स कंडक्टर से थोड़ा बेटर है कंडक्टर से थोड़ा बेटर इंप्रूवमेंट होती है किसमें अलॉय में लेकिन इंसुलेटर देखो जरा इंसुलेटर होते हैं जिनका रो होता है बहुत ज्यादा तो होगा, होगा किसका किसका ज्यादा है ग्लास रबर एवर डायमंड पेपर क्या है देखो दस की पावर चौदह दस की पावर सोलह सत्रह तेरह बारह खतरनाक लेवल का खतरनाक लेवल का है ना और ऐसे सिल्वर का देखो जरा रो कितना कम है पॉइंट सिक्स की पावर माइनस और कॉपर का देखो वन पॉइंट तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है फर्क तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए कॉपर को यूज करते हैं वायर्स बनाने के लिए है ना कॉपर यूज होती है क्या बनाने के लिए वायर्स बनाने के लिए आपको ये बात पता है ठीक है बाकी आप चाहो तो पढ़ सकते हो याद नहीं करनी है बच्चा पूछते सर याद करने नहीं बेटा याद नहीं करनी है इसको बच्चे को एक ही टेंशन होती है कि सर हमको याद तो नहीं करना पड़ेगा नहीं बेटा याद नहीं करना याद नहीं करना खुश याद नहीं करना खुश रह तू ठीक है याद करने का रोना नहीं गाना चलो एक सवाल आया सवाल कह रहा है कि एक वायर है जिसकी एल है, है जिसकी ठीक सर हम थोड़ा सा कर लेते हैं, मजा आता है ड्रॉ करने में सर क्या ड्रॉ करने के नंबर मिलते हैं नहीं ना करने के नंबर कटते हैं नहीं फिर क्यों करते हो मजा आता है। तो मजा लो वायर ऑफ लेंथ एल वायर की लेंथ क्या है एल है रेजिस्टेंस इसकी आ है ठीक है इसे स्ट्रेच करा गया सो दैट इट्स लेंथ इज डबलड अच्छा इसको स्ट्रेच किया गया एक बार बताओ अगर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पहले ए है यानी वायर कुछ पर्टिकुलर मोटी है ए ए एरिया से मोटी है और मैं इसको खींच के लंबा कर दूं अगर तो ये पतली नहीं होती जाएगी खींच के लंबा करने पर एरिया कम नहीं होगा क्या होगा तो इसलिए इसलिए अगर मैं इसको खींच के लंबा करूंगा है ना तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2l लेकिन इसका एरिया हो जाएगा ए बाय टू है ना है ना क्रॉस सेक्शन एरिया देखो क्या हो गया हाफ हो गया बोल रहा ना तो पहले क्रॉस सेक्शन अगर एरिया अगर ए था बाद में क्या हो गया ए बाय टू हो गया अच्छा एक बात बताओ अगर एक वायर को खींचेंगे एक वायर को खींच के लंबा कर रहे हैं तो क्या उसके मटीरियल पर कोई फर्क पड़ता है चेंज हो है मेटर उसका चांदी की तार खींच के सोने की बन जाती है क्या मजा ना आ जाए फिर तो फिर तो सारी चांदी खींच 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 के सोना बना ली जाए कोई फर्क नहीं आता रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा रो रहेगा सेम है ना तो ये पूछ पूछना देखो हाउ वेल इट्स रेजिस्टेंस चेंज रेजिस्टिविटी चेंज तो रेजिस्टिविटी में लिखेंगे नो no चेंज है ना कोई चेंज नहीं आएगा बेटा क्योंकि मटेरियल तो सेम रहेगा मटेरियल तो वही है है ना मटेरियल इज सेम मटेरियल तो सेम है तो फिर रेजिस्टिविटी में कैसे चेंज आएगा सिर्फ रेजिस्टेंस में चेंज आएगा और वो कितने टाइम्स होगा आओ देखो सबसे पहले हम इसके लिए फॉर्मुला लिखते हैं फॉर्मुला इसका होगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन में ए इक्वेशन नंबर वन इसका फॉर्मुला लिखे तो इसको R डैश लिखते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस सेम तो नहीं होगी ना इसकी रेजिस्टेंस अलग इसकी अलग होगी इसकी R है तो इसकी क्या होगी R डैश आर डैश होगा रो L की जगह लिखेंगे ट्वेल्व और एरिया की जगह लिखेंगे ए बाय भाई साहब आया समझ में क्या इसका एरिया क्या था ए था इसका क्या है ए बाय है इसकी क्या थी एल थी इसकी क्या है टू एल है ये टू जाएगा बेटा ऊपर और ये बन जाएगा चार रो एल ए। देख रहे हो ये टू ऊपर चला गया क्या बन गया टू टू ऑफ फोर बन गया है ना इस फोर को बाहर ले लिया हमने अंदर क्या बचा केवल रो एल बाय बचा इस रो एल शक्ल देखो जरा पुराने वाले आर के जैसी है बोलो हा ना इस रो बाय ए की शक्ल क्या है पुराने वाले आर के जैसी है तो रो एलबा की जगह पर क्या लिख दूंगा? दूंगा समझ गए तो ये आर डैश क्या बन गया आर डैश बन गया फोर टाइम्स आर ट्रेपीजियम कहां से आ गया भाई <laughs> कमाल ही है ट्रेपीजियम आ गया चलता हुआ ठीक है जी तो नई रेजिस्टेंस क्या बनी बेटा चार गुना बनी फोर टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ठीक है ना फोर टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्लियर है बात इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है ठीक है अब मैं काम कर रहा हूं ठीक है क्या मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं करने के लिए है ना आप पंद्रह सेकेंड लीजिए और मुझे आंसर बताइए क्या है चलिए बच्चों टाइम मिल गया भाई आपको रेजिस्टेंस विद विद इज आर कनेक्टेड अ बैटरी वोल्टेज वी एंड प्रोड्यूस करंट आई व्हाट वुड बी द न्यू करंट इफ द वोल्टेज इज डबल्ड एंड रेजिस्टेंस इज हाफ्ड देखो बढ़िया सवाल है कहता है कि भाई रेजिस्टेंस आर थी और इसको एक वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया तो इसमें एक आई करंट फ्लो कर रहा था ठीक है फिर कहता है कि यार रेजिस्टेंस को ना हाफ कर दिया गया यानी आर बाय टू कर दिया ठीक है और वोल्टेज को क्या कह रहा है वोल्टेज को डबल कर दिया देखो लिखा हुआ कह रहा है वोल्टेज को जी डबल कर दो और रिस्टंस को हाफ कर दो यानी वोल्टेज को कर दिया टू वी कर दिया तो अब करंट कितना निकलेगा आई डैश देखो भाई हमें पता है फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर ठीक है यहां से हम आई निकाल लें तो आएगा वी बाय आर क्या कोई दिक्कत इसे यहीं छोड़ दो अब अब इस पर आते हैं हम आई इज इक्वल टू वी बाय आर अगर इसके लिए लगाएं तो कैसे लिखेंगे यहां लिखेंगे आई डैश इज इक्वल टू v r लिखना यहां v कितना है टू वी और यहां r कितना है r बाय टू ये टू जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने ये टू जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने तो ये बन जाएगा टू टू सा था बेटा आई था ये वी r क्या था आई था. था? था तो इस बार ये वी r क्या आई से रिप्लेस हो जाएगा यहां पर मैं लिख सकता हूं फोर आई सो दिस आई डैश बिकम्स फोर आई है ना ये आई डैश क्या बना फोर टाइम्स आई बना ठीक है ए ऑप्शन एकदम सही है आया समझ में कैसे किया है है ना बिल्कुल वही तरीका जो हमने पहले भी लगाया था ठीक है चलिए आगे चलते हैं चलो भाई अब बारी आती है सीरीज सर्किट पैरल सर्किट की तो देखो सीरीज सर्किट यहां पर देखो जुड़ा भी हुआ है प्रैक्टिकली दिखा रखा है दो बल्ब को कैसे जोड़ रखा है एक ही वायर में जोड़ रखा है सीरीज सर्किट का मतलब यही होता है कि जब सबको क्या जोड़ दिया जाए एक ही वायर में जोड़ दिया जाए जैसे यहां पर देखो आर वन आर टू आर थ्री सब क्या है एक ही वायर में जोड़े गए जब एक ही वायर में जोड़ा जाएगा इसे बोलेंगे सीरीज ठीक है ना लेकिन सीरीज के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि याद रखनी है ठीक है सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी होती है कि सीरीज के अंदर ना करंट हमेशा रहता है सेम लेकिन वोल्टेज करती है डिवाइड याद रहेगा क्या मतलब बना इस बात का मान लो यहां पर वोल्टेज V है तो इस वाले रेजिस्टेंस पर V नहीं गिरेगी V1 गिरेगी यहां पर भी V नहीं गिरेगी V2 गिरेगी यहां पर भी V नहीं गिरेगी V3 गिरेगी और अगर यहां करंट आई है तो इसमें भी करंट आई ही जाएगा इसमें भी करंट आई ही जाएगा इसमें भी करंट आई ही जाएगा यहां से आई ही निकलेगा आई ही जाकर के बैटरी के अंदर घुस जाएगा यहां से आई निकला और चल करके वापस आई ही आ गया ठीक है जी समझ में आया तो करंट रिमेन्स सेम इसके पीछे रीजन भी बताता हूं क्या है करंट इसलिए सेम रहता है क्योंकि पाथ सेम रहता है जब तक पाथ एक ही होगा तब तक करंट भी एक ही होगा सीधी बात ठीक है और वोल्टेज क्यों डिवाइड हुई है वोल्टेज इसलिए डिवाइड हुई है कि हर अप्लायंस बैटरी के साथ इंडिविजुअली कनेक्टेड नहीं है वायरस के थ्रू कनेक्टेड है देखो ये वायर यहां है ये वायर यहां है तो भाई देखो ना इसका कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव के साथ है लेकिन क्या इसका बैटरी के नेगेटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है क्या नहीं ऐसे बीच वाले का सोचो बीच वाले का तो दोनों ही नहीं है ये वाला नहीं है, ये वाला वाला भी भी पॉजिटिव से 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 डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है है नेगेटिव तो तो आप बात को समझ रहे हो तो इसलिए ऐसा होता जब जब बैटरी बैटरी सीधा कनेक्शन होगा ना जब बैटरी से सीधा कनेक्शन होगा ना, हो ना सबका तो फिर वोल्टेज सेम रहेगी तब डिवाइड नहीं करेगी है ना तो यहां पर वोल्टेज क्या कर रही है डिवाइड कर रही है क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इन लोगों का इनडायरेक्ट कनेक्शन तो है डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ठीक है So तो so दिस है? है दो बल्ब को कैसे जोड़ एक में से दो स्प्लिट्स निकल तो निकलेंगे हमेशा वायर में जोड़ होगा हमेशा है ना वायर में से दो इस तरीके से निकले हुए होंगे एंड्स निकले होंगे दो वायर के ठीक है ना यहाँ पर भी आप ऐसे देख सकते हो यहां पे तीन निकले हुए हैं देखो यहां से भी यहां से भी यहां से भी तो पाथ एक ही है या तीन अलग अलग है सर तीन अलग अलग है जब तीन अलग अलग पाथ है तो यहां पर करंट क्या करेगा बेटा डिवाइड करेगा तो पैरल के लिए जो इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि यहां पर करंट करता है डिवाइड लेकिन वोल्टेज रहती है सेम भाई वोल्टेज क्यों सेम रहती है वो सुनो वोल्टेज इसलिए सेम रहती है क्योंकि भाई बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है भी वोल्टेज ठीक है ना इसके पॉजिटिव के साथ सबका अपना इंडिविजुअल कनेक्शन है देख रहे हो और इसके नेगेटिव के साथ सबका अपना इंडिविजुअल कनेक्शन है क्या बात समझ में आ रही है हर रेजिस्टेंस का अपना इंडिविजुअल कनेक्शन जब बैटरी के साथ है तो सब पर सेम वोल्टेज गिरेगी इस पर भी वी इस पर भी वी इस पर भी वी तीनों पर सेम वोल्टेज गिरेगी ठीक है ना और अगर इसका करंट आई निकला है तो तीनों में करंट क्या जाएगा अलग अलग क्योंकि पाथ डिफरेंस है पाथ में क्या हो रहा है सेपरेशन हो रहा है ना पाथ अलग अलग जा रहा है तो यहां तक तो करंट आई ही रहेगा इसके बाद करंट आई वन ऊपर वाले में आई टू उसके नीचे वाले में और आई थ्री सबसे नीचे वाले में ऐसे जाकर के फिर इकट्ठा होकर वापस क्या बन जाएगा आई बन जाएगा फिर आई बन करके वापस आ जाएगा समझ में आएगा ऐसा होता है ठीक है तो करंट डिवाइड करता है क्यों क्योंकि पाथ डिवाइड कर रहा है, है ना और वोल्टेज क्यों सेम है क्योंकि सबका इंडिविजुअल कनेक्शन क्या है बैटरी के साथ अपना अलग अलग है समझ में आया ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि सीरीज सीरीज में वोल्टेज डिवाइड पैरेलल में करंट डिवाइड इस चीज को हम यूज करेंगे और फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे ठीक है ना तो चलिए ड्राइव करने की बारी आ गई है तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की बात कर रहे हैं हम यहां पर सीरीज के लिए सबसे पहले है ना आपको पता है कि सीरीज में इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्शन होता है बैटरी जुड़ी रहेगी वी वोल्ट से तो यहां पर वी वन वी टू V3 गिरेगा करंट अगर आई है तो सब में आई ही जाएगा इसमें भी आई इसमें भी आई इसमें भी आई और निकलेगा भी आई और बैटरी में भी आई ही घुसेगा फिर ऐसे ही होता है है कि नहीं तो जब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ना बेटा तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि डिविजन कहां से हो रहा है तो डिविजन हो रहा है वोल्टेज से ठीक है हमेशा ध्यान रखना फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए सीरीज पैरल का फॉर्मूला कभी भी आपने ड्राइव करना हो तो आपने हमेशा वहां से शुरू करना जहां से डिवीजन शुरू हो रहा है तो डिवीजन किस चीज का है वोल्टेज का है तो हम लिखेंगे सबसे पहले वोल्टेज के लिए इक्वेशन के टोटल वोल्टेज जो होती है वो होती है वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री ठीक है ना वी वन वी टू वी थ्री को एड कर दो इस पर गिरी वोल्टेज इस पर गिरी वोल्टेज इस पर गिरी वोल्टेज को एड कर दो टोटल भी निकल के आ जाएगा बोलो हाँ ठीक है जी अब मुझे एक बात बताओ ये क्वेश्चन तो ठीक है कि टोटल वोल्टेज तीनों में क्या हो गई डिवाइड हो गई इक्वली डिवाइड हुई नहीं हुई वो बात अलग है लेकिन डिवाइड तो होगी है ना सही बात है अगर हम यहां पर ओम्स लॉ लगाए वी बराबर आई आर सब जगह पर तो यहां के लिए टोटल वोल्टेज के लिए हम लिखेंगे भाई के करंट आई है टोटल रेजिस्टेंस आर है यहां करंट आई है टोटल रेजिस्टेंस यहां के लिए सिर्फ आर वन है सिर्फ इस इसके लिए देखेंगे तो आर वन होगी है ना फिर इसके लिए देखेंगे तो क्या होगी आर टू होगी इसके लिए देखेंगे तो क्या होगी आर थ्री होगी बोलो हां पर है ना I R1, I R2, I R3, I common ले लो I common आते ही अंदर क्या गया बेटा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री फॉर्मूला हो गया डिराइव ये किस चीज का फॉर्मूला ड्राइव हुआ है पता है इसे बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना इफेक्टिव

अच्छा पैरल पर आते हैं पैरल के लिए पहले एक सिंपल सर्किट ड्रॉ कर देता हूं मैं क्योंकि आपको करना पड़ेगा अगर डेरिवेशन आ गई तो तो मैं अपने हाथ से करके दिखाता हूं तो आपको कैसे करना है और इसको जोड़ दिया बैटरी से अब बैटरी का वोल्टेज भी है तो यहां भी वी गिरेगा यहां भी वी ही गिरेगा यहां भी वी ही, ही सबका अपना इंडिविजुअल कनेक्शन आपको दिख रहा है ये आर वन यारू य यार यार अगर करंट मेरे भाई आई निकल रहा है टोटल यहां तक भी आई ही है तो इसमें आई वन घुसेगा इसमें आई टू घुसेगा और इसमें आई थ्री घुसेगा ये सब निकल करके वापस जुड़ जाएगा इसका आई वन इसका आई टू इसका आई थ्री आई बन जाएगा वापस से और आई आके घुस जाएगा किसमें बैटरी में बोलो हाँ ना। तो मुझे बताओ वोल्टेज तो यहां पर सेम है लेकिन डिवाइड कौन हो रहा है डिवाइड हो रहा है करंट डिवाइड हो रहा है करंट तो टोटल तो करंट विल बी आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री है ना ये टोटल के बराबर है तीनों करंटों को ऐड करूंगा तो टोटल करंट आ जाएगा सही बात है ना ओम्स लॉ वी बराबर आई आर लिखते हैं तो आई बराबर वी आर भी लिखते हैं बोलो हाँ या ना अगर V तो आई इज इक्वल टू वी बायर भी लिख सकते हैं बोलो हा चला जाएगा V के नीचे तो यही कर रहा हूं मैं यहां पर टोटल करंट निकालने के लिए क्या करूंगा वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस लिखूंगा यहां पर वोल्टेज अपॉन में, R1 में, में, तो में वन वन, वन आर वन लिखूंगा यहां वोल्टेज अपॉन में आर टू लिखूंगा यहां वोल्टेज अपॉन में आर थ्री लिखूंगा वोल्टेज ले लूंगा और यहां आएगा V बाय आर टी वी से V कट गया वन वन गया यहां पर तो ये वन बाय आर टी ये वन बाय आर वन, वन ये वन बाय आर टू ये वन थे। क्लियर है बात तो पैरल के लिए फॉर्मुला कैसे आता है बेटा वन टी, वन बायार वन, वन बायार टू, वन इस तरीके से लिखा जाएगा ठीक है ना अब कुछ शॉर्टकट्स भी सिखाता हूं मैं है ना लेकिन शॉर्टकट से पहले एक बात आपको और बतानी है मैंने बात यह है कि आपने देखा कि करंट यहां पर सेम जा रहा है सब में यस और नो तो फिर वोल्टेज किस रेशियो में डिवाइड करेगी किस हिसाब से डिवाइड करेगी आप एक बार बताओ आपने फॉर्म देखा ना वी इज इक्वल टू आई आर आई सबके लिए क्या है सेम है बोलो हां इसके लिए भी इसके लिए भी इसके लिए भी तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर आई कॉन्स्टेंट है सब में हाँ तो फिर ये v जो होगा वो किसके प्रमोशन होगा आर के समझ गए ना यानी जिसकी रिस्टेंस ज्यादा होगी उस पर वोल्टेज ज्यादा गिरेगी सीधी सी बात जिसकी रिस्टेंस ज्यादा होगी उस पर वोल्टेज का ड्रॉप क्या आएगा बेटा ज्यादा आएगा ध्यान रखना इस बात को ठीक है और पैरल में बात करूं अगर मैं तो यहां पर क्या है वोल्टेज सेम है ना? तो वी इज इक्वल टू आई आर देखा है, हमने, इस बार कौन है? V है तो अगर V कांस्टेंट हुआ सोचो करंट तो कम जाएगा ये होता भी है, ये होता भी है. जिसकी यानी रुकावट ज्यादा करंट क्या फ्लो करेगा कम फ्लो करेगा तो भाई अगर मान लो मान लो के आर वन की है ना तो आई वन करंट की वैल्यू क्या होगी बेटा कम होगी

अगर एक्स एक्स है दोनों क्या आंसर आएगा एक्स आंसर आएगा ठीक है ऐसे ही सोचो अगर तीन होते तो x x x तो क्या आता x चार, तो चार आता ऐसी अगर n हुए तो तो x बाय आएगा समझ गए समझ गए शॉर्टकट है काम आएगा बेटा ठीक है दो हो दो हो तो दो से डिवाइड तीन हो तो तीन से डिवाइड आंसर जो आएगा यानी जो पैरेलल निकालोगे ना इसका वन बार यार वन बार वन बार करके जो पैरल निकालोगे वो सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है जी अच्छा अगर मान लो एक रिस्टेंस एक्स है और एक वाई है तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई एक और शॉर्टकट काम आएगा ठीक है कुछ प्रैक्टिस भी ले लो जरा ठीक है अगर ये टू है ये टू है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर आएगा वन यानी आप इन दोनों को एक सिंगल वन ओम से क्या कर सकते हो रिप्लेस कर सकते हो ये टू ओम है ये भी टू ओ में इसको आप वन ओम से क्या कर सकते हो रिप्लेस कर सकते हो सीधा सीधा ठीक है ना अच्छा कुछ चीजें याद भी रखना भाई जैसे थ्री और सिक्स का कॉम्बिनेशन बहुत बार काम आता है थ्री और सिक्स ये थ्री ओ में सिक्स ओम में इसका आंसर हमेशा टू ओम आता है इसका आंसर हमेशा क्या आता है टू ओम आता है ठीक है जी तो बस इतना बहुत है कुछ क्वेश्चन देख लो अब

तो लेंथ को पांच भागों में तोड़ दिया ना अच्छा 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 लेंथ को पांच से डिवाइड कर दिया तो इसलिए भी क्या हो गया पांच से डिवाइड हो गया हां बेटा यही बात है समझ गए ना तो इसलिए सबकी क्या हो गई फाइव ऐसे हो गई ठीक है फिर कह रहा है कि इन सब पार्ट्स को ना पैरेलल में जोड़ दो अच्छा जोड़ देते हैं भाई लो लो पैरेलल में जोड़ दिया सबको ठीक है पैरेलल में जोड़ दिया सबको पैरेलल में जोड़ दिया तो इसका जो आंसर आएगा इसका जो अब आंसर आएगा वो मान लो ये x है, x है x है x है x है x है पांच बार x है ना तो आंसर आएगा एक्स बाय हाँ ना बोलो तो मुझे पता ये x की वैल्यू क्या है x की वैल्यू तो r है भाई हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है r ही तो हा आना हाँ सर तो x की जगह पर बेटा अगर मैं r बाय फाइव लिख दूं तो उससे ये फाइव हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी ये बन गया आर बटा पच्चीस ओ भाई साहब सही बात है कि नहीं तो वो आपसे चाह रहा है कि आप इक्वेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन अगर आर डैश मान रहे हो इसी को आर डैश बोल रहा है वो वो कह रहा ये है, न, है ये जो आर डैश है ना यही आर बाय पच्चीस है ये जो आर डैश है यही क्या है आर बाय पच्चीस है ठीक है तो कह रहा है आर बट आर डैश क्या होगा तो ले भाई आर डिवाइड बाय आर डैश आर तो आर है और आर डैश क्या है आर डैश है आर बाय पच्चीस ये पच्चीस चला गया ऊपर आर से आर कट गया तो दिस बिकम्स पच्चीस अपॉन में वन पच्चीस टू वन का रेशियो है डी आंसर इसका ठीक है एनसीआर का सवाल है बहुत ही ईजी सवाल है ठीक है तो एमसीक्यू के अंदर आप ये जुगाड़ लगा सकते हो अगर ये जुगाड़ नहीं लगाना चाहते तो आपको फिर लंबे मेथड से करना पड़ेगा ऐसे करके करते करते पांच बार लिखोगे फिर इसको पढ़ दोगे तो ये आंसर आ जाएगा आर बाय पच्चीस ही आ जाएगा इसका आंसर ठीक है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओके ये प्रीवियस ईयर बोर्ड का सवाल है कह रहा है कि भाई तीन रजिस्टर है हमारे पास छे छे ओम के सिक्स ओम सिक्स ओम सिक्स ओम ठीक है छ छे ओम के क्या है तीन रजिस्टर है कहता है कि उनको ऐसे जोड़ो कि आंसर नाइन ओम आए और फिर कहता है ऐसे जोड़ो कि आंसर चार ओम आए ये एक मशहूर क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ है एक बार नहीं कई बार सैंपल पेपरों में भी आया हुआ है सवाल ठीक है अच्छा एक बार बताओ अगर इन छे 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 को मैं सीरीजों में जोड़ दू तो आंसर क्या आएगा सर अठारह है ना अगर मैं इन सबको प्योर सीरीज में जोड़ दूं अगर मैं इन सबको प्योर सीरीज में जोड़ दूं तो आंसर आएगा अठारह ओम बोलो सही बात है कि नहीं और अगर मैं इनको प्योर पैरल में जोड़ दू प्योर पैरल में जोड़ दू तो आंसर क्या आएगा सिक्स, सिक्स है तीन बार सिक्स डिवाइड बाई थ्री आंसर आएगा ओम बोलो माइंड में कैलकुलेट कर लिया एक्स बाय थ्री है ना एक्स 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 बाय थ्री सिक्स बाय थ्री टू तो आंसर मिल रहा है क्या मैच हो रहा है नाइन ओम फोर ओम नहीं हो रहा यार ना प्योर सीरीज से आंसर मैच हो रहा है ना प्योर पैरल से आंसर मैच हो रहा है फिर क्या करें फिर क्या करें हम इसको तीसरे तरीके से जोड़ेंगे सर कितने तरीके होते हैं टोटल चार ही होते हैं बेटा घबराने वाली बात नहीं है तीन रजिस्टरों को जोड़ने के चार ही लॉजिकल तरीके हैं लिख के ले लो अभी ये बात लिख लो अपने पास ये बात तीन रजिस्टरों को जोड़ने के चार ही तरीके हैं एक प्योर सीरीज काम नहीं बना प्योर पैरल काम नहीं बना मिक्स फॉर्म मिक्स फॉर्म में देखो क्या करेंगे एक को रखेंगे सीरीज और उसके साथ दो को रखेंगे ऐसे पैरेलल में काम बनेगा क्या बनेगा ही बनेगा क्योंकि दो बेटा थ्री आएगा एक्स 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 बायू होता है थ्री आएगा इसका आंसर ये लो उस वाले सिक्स को तो छेड़ा ही नहीं थ्री हो गया छे और तीन क्या हो गया बेटा नौ ओम आ गया हो गया हो गया पहले का हो गया ना पहले और तीन का और छीन का आंसर क्या है भाई नौ है ठीक है ये वाला छे, ये ये और और है है वाला छीन में ऐड होगा तो क्या आएगा आ जाएगा बहुत सिंपल है ना सीरीज बन गया ना ये तो ये पहले पैरेलल था पैरेलल का छे छे का आंसर तीन आया छे और तीन सीरीज का आंसर आ गया नौ कोई दिक्कत नहीं फोरम कैसे आएगा सर तो भाई फोरोम आएगा एक और मिक्स फॉर्म से जो कि लास्ट तरीका है जोड़ने का चार ही तरीके मैंने बोला प्योर पैरल प्योर, प्योर सीरीज मिक्स वन मिक्स टू है ना ये कैसे होगा ये होगा ऐसा आएगा बेटा सीरीज में है तो बारह हो जाएगा और उसके पैरेलल में एक छे और जुड़ जाएगा ठीक है बारह और छे का आंसर चार होता है चार ही आएगा दिखाऊं देख लो देख लो देखो दो है एक्स और वाई है है ना तो क्या होता है एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई शॉर्टकट सिखाया मैंने आपको अभी अभी तो बारह छिक बहत्तर और बारह प्लस छ कितना होगा अठारह बहत्तर बटा अठारह चौक बहत्तर होता है चारो क्लियर है क्या बात ठीक है खुद से प्रैक्टिस करनी है सबकी बेटा ये तो मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए ठीक है एक और मशहूर सवाल जो कि बच्चों से होता नहीं है बहुत दिक्कत आती है बच्चों को करने में मैं करवा देता हूं कह रहा है कितने सारे 176 ओम के रेजिस्टरों को जोड़ेंगे ठीक है ना के पांच एमपियर का करंट 220 वोल्ट की लाइन पर आए अच्छा जी वोल्टेज कितनी रखी है 220 वोल्ट करंट कितना दे रखा है पांच एमपियर ये टोटल करंट है ना हाँ ये टोटल वोल्टेज है ना हाँ इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे वो कैसे आएगी वी बाय आई तो वी कितना है दो सौ कितना है पांच काटा तो आंसर आया बेटा चवालीस ओम ठीक है ना टोटल आर कितना आ गया फोर्टी ओम कह रहा है भाई 176 ओम के बहुत सारे रजिस्टर है मेरे पास और सबको किस में जोड़ूंगा पैरल में जोड़ूंगा यानी क्या करना चाह रहा है ये करना चाह रहा है देखो 176 176 176 176 मतलब x x x x पता ही नहीं कितनी बार तो n बार तो जब एनवारल में आंसर आएगा निकल के बेटा वो क्या आएगा वो आएगा एक्स बाय शॉर्टकट सिखाया मैंने आपको अभी अभी है ना पैरल में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा एक्स तो वो तो पहले से निकाल ही लिया है जो आर टी है वो तो 44 ओम है ही है मतलब जो इसका आंसर टोटल में आएगा वो क्या आएगा चालीस आएगा है ना और आर टी है क्या आर टी है आर बाय एन और आर कितना है एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 176 तो 176 डिवाइड बाय एन ये भी आर टी है ये भी आर टी है दोनों को आमने सामने रख दो समझ में आया ना तो आर टी ही है दोनों तो एक तरफ 44 और एक तरफ 176 बाय एन।, एन एन जाएगा ऊपर और 176/44 आएगा नीचे काटो चार आंसर आ गया ठीक है जी टोटल वोल्टेज टोटल करंट से टोटल रेजिस्टेंस पहले से निकाल ली हमने और ऐसे करेंगे तो भी टोटल आएगी तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया ठीक है ये आप होमवर्क में करेंगे एनसीआरटी सवाल है होमवर्क में करना आपको ठीक है ना होमवर्क भी तो दूंगा कुछ ना कुछ ठीक है आइए रियोस्टेट की वर्किंग के बारे में बात करते हैं देखो, रियो स्टेट के मैंने आपको बताया था कि ऐसा स्लाइडर लगा होता है है ना और इस स्लाइडर को क्या करते हैं आगे पीछे करते हैं है ना स्लाइडर को क्या करते हैं आगे पीछे करते हैं इस तरीके से ऐसे इसको ना इस स्लाइडर पर क्या करेंगे आगे और पीछे टहलाएंगे क्यों टहलाते हैं इसको समझो होता क्या है भाई कि ना जो वायरस होंगी ना वो वायर कुछ ऐसे लगी होती है यहां पर आ, ऐसे एक वायर यहां लगी होगी और एक वायर यहां लगी होगी नीचे ठीक है इसके साथ कुछ बैटरी जुड़ी होगी ये जुड़ी है बैटरी है ना ये कुछ की जुड़ी है कुछ बल्ब वल्ब लगा हुआ है सब कुछ चल रहा है मस्त मस्त एकदम कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना बढ़िया सर्किट लगा हुआ है सर्किट के अंदर ये और ऐड कर दिया क्यों कर दिया भाई ऐड आओ समझो आओ समझो क्यों किया ये ऐड बेटा ये ऐड इसलिए किया ये ऐड इसलिए किया ताकि हम क्या कर सके पता है हम इस स्लाइडर को आगे पीछे करके ना इस सर्किट के अंदर वायर की लेंथ को बढ़ा या घटा सके उससे क्या होगा सर बेटा जब वायर की लेंथ बढ़ेगी ना जब वायर की लेंथ बढ़ेगी ना तो उसके प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होती है वो भी क्या करेगी बढ़ेगी मतलब हमने क्या किया हमने अननेसेसरी लेंथ को बढ़ा दिया जिससे रेजिस्टेंस भी क्या हुई अननेसेसरी बढ़ गई ठीक है अब देखो क्या होता है मान लो ये स्लाइडर को यहां रखा हुआ है ठीक तो है तो होगा पता क्या यहां से करंट चलेगा देखो प्लस है माइनस है करंट चला 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 इसमें घुसा यहां आएगा डंडे में इसमें आएगा फिर यहां से यहां आएगा फिर इसमें ना घूमेगा इस इसमें तार लिपटी होती है पूरी

अब क्या होगा अब देख क्या होगा अब देख बेटा क्या होगा करंट चलेगा 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 यहां पर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा तो यहीं से तार मिल जाएगी इसको यहीं पे घूमेगा 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 घूमता 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 घुमता घुमता घूमता घुमता घूमता घुम घूम यहां से बाहर आ गया आ 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 गया 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 समझ में आया क्या हो रहा है पहले वायर कम इंक्लूड हो रही थी वायर की लेंथ कम थी पहले वायर कम इंक्लूड हो रही थी तो रेजिस्टेंस कम थी अब जब स्लाइडर को पकड़ के यहां खिसका दिया तो 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 वायर ज्यादा ज्यादा इंक्लूड हो 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 गई सर्किट में में तो रेजिस्टेंस क्या क्या जाएगी जाएगी बेटा हो जाएगी क्या ये बात समझ आई इस तरीके से स्लाइडर को पीछे करता जाऊंगा तो उतनी ही वायर कम इंक्लूड होगी यहां से शुरू हो जाएगा ये कहानी है ऐसे वर्क करता है रियोस्टैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ठीक है ना ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल

सबसे पहले जूल्स लॉफ हिटिंग जूल्स ऑफ हिटिंग कहता है साहब ने रहे हो, कुछ टी तक, तो जो हीट, हीट जनरेट हो होती है जो हीट जनरेट होगी ना वो प्रोपोर्शनल होगी आई आर और टी के। इक्वेट कर दें तो फॉर्मूला आई आर टी ही बन जाता है ठीक है किसी व्यक्ति ने कहा करके दिखाओ

प्रूफ प्रे अगर हम इसका प्रूफ कैसे करें तो प्रूफ करने के लिए ना हमको यहां पर खत्म करना होता है यहां से शुरू नहीं करना होता बच्चा करता है, यहां से शुरू कर देता है शुरू नहीं करना बेटा यहां से यहां पर खत्म करना है ठीक है चलो नाइन्थ क्लास की बात करते हैं नाइन्थ क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एनर्जी और वर्क डन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। वर्क एनर्जी में और एनर्जी वर्क में क्या हो सकती है

अच्छा आपने एक फॉर्मुला पढ़ा है करंट का करंट का फॉर्मुला होता है क्यू डिवाइड बाय टी है ना तो हम क्या क्यू को आई टी लिख सकते हैं क्या जो टाइम को ले गया आई से मल्टीप्लाई कर दिया हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल को लिख सकता हूं, आई टी? लिख सकता सकता हूं हूं सर ठीक है अच्छा ऐसे ही क्या हम वी को लिख सकते हैं आई आर हाँ भाई ये भी कर सकते हैं है ना चार्ज को आई टी और वोल्टेज को आई आर दोनों लिख सकते हैं तो चार्ज को लाया यहां रख दिया वोल्टेज को लाया यहां रख दिया चार्ज की जगह पर आई इंटू टी और वोल्टेज की जगह पर आई इंटू आर ये आई I, आई I मिलके बेटा बन गया आर अपनी जगह पर आर है और टी अपनी जगह पर टी है अगर इस वन की जगह पर मैं एनर्जी लिख दूं तो कोई गलती कर रहा हूं क्या बिल्कुल भी नहीं भाई यहां पर एच लिख सकता हूं मैं ठीक है ना दिस बिकम्स आई स्क्वायर आर टी ऐसे प्रूव किया जाता है ठीक है ना अब आपने देखा होगा इस तरीके से है ना हीटर

बोलो भाई पच्चीस का स्क्वायर पचास का स्क्वायर पच्चीस इंटू बीस इंटू आंसर आ गया बेटा पंद्रह ना हीट जूल में होती है ना पंद्रह हजार जूल कोई दिक्कत नहीं आइए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बातें करते हैं हीटिंग इफेक्ट की भाई हीटिंग इफेक्ट खाली नुकसान नुकसान देने के लिए नहीं है हीटिंग इफेक्ट फायदा देने के लिए भी है ये जो करंट का चलना आपको लगता है कि चीजें गर्म ही करता है ना इस गर्मी से भी हम फायदा उठाते हैं कैसे हम इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं हम बल्ब यूज करते हैं बल्ब के अंदर क्या होता है बेटा क्या चीज होती है बता इसे बोलते हैं फिलामेंट है ना बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट यह फिलामेंट किस चीज का बनता है भाई ये फिलामेंट किस चीज का बनता है यह फिलामेंट बनता है टंगस्टन का टंगस्टन एक मेटल है डब्ल्यू से डिनोट करते हैं इसको ठीक है ना प्योर मेटल है ये प्योर मेटल है तो टंगस्टन ही क्यों यूज किया जाता है तो मेरे भाई टंगस्टन इसलिए यूज किया जाता है बात को समझना ये प्योर मेटल टंगस्टन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई हाई नहीं वेरी हाई पता है कितना डिग्री सेल्सियस याद करना है क्या अगर हो सके तो कर लो नहीं तो कोई बात नहीं ठीक है अब मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा तो इससे फायदा है कि नुकसान है भाई फायदा है पता है क्यों ज्यादा करंट फ्लो करेगा यस तो ये ज्यादा रिटेन करके रखेगा हीट को हीट रिटेंशन क्या होती है ज्यादा होती है है ना हीट रिटेंशन इसके अंदर क्या होएगी, ज्यादा होएगी, और आसानी से पिघलेगा नहीं पिघलेगा नहीं तो लंबा चलेगा हीट रिटेंशन ज्यादा है जिसकी वजह से क्या आता है बेटा ग्लोइंग इफेक्ट आता है ना हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या आएगा ग्लोइंग इफेक्ट आएगा बस हो गया काम इसलिए हम क्या करते हैं बल्ब को बल्ब के अंदर फिलामेंट लगाते हैं ना और जो आसपास जो कांच लगा हुआ है इस कांच में जो गैस होती है वो होती है आर्गन या नाइट्रोजन है ना रीजन आपको पता पता है 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 कोरोजन वाला है, है ना पता ही आपको रीजन चलते हैं फ्यूज की बात करते हैं फ्यूज की बात करते हैं देखो फ्यूज का सिंबल ऐसा होता है ज्यादा डिटेल फ्यूज के बारे में ना अगले चैप्टर में है मैग्नेटिक इफेक्ट्स के अंदर फ्यूज की बातें हैं ठीक है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं देखो पीछे से तो जब ज्यादा करंट आए तो इसको बोलते हैं ओवरलोडेड करंट जब वोल्टेज बढ़ती है तो करंट क्या करता है ओवरलोड करता है ओवरलोड इस लिहाज से करता है और इस हद तक करता है कि आपके घर के अप्लायसेस को जला भी सकता है इवन पूरा घर भी फूक सकता है इतना ज्यादा करंट अगर कभी आ गया तो हीट क्या होगी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी जिससे घर जल सकता है तो फ्यूज क्या करता है एक सेफ्टी डिवाइस का काम करता है ये एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है किसी ज्वेलरी स्टोर के बाहर अगर सामान लूटने कोई आया तो पहली गोली कौन खाएगा भाई सिक्योरिटी गार्ड खाएगा या मारेगा भी तो पहली कौन मारेगा सिक्योरिटी गार्ड मारेगा समझ गए ना तो एक टाइप का से क्या है सिक्योरिटी गार्ड है जब भी कभी करंट बढ़ के आता है ना ये शहीद हो जाता है ये कुर्बान हो जाता है है ना ये क्या करेगा जैसे ही करंट आएगा और उसके बाद ये क्या करेगा ये वायर जो होगी वो मेल्ट हो जाएगी ठीक है ना बलिदानी परम बलिदानी किसने दी फ्यूज ने दी ठीक है जी ये फ्यूज वायर जो होती है ना ये टाइम आने पर क्या होनी चाहिए मेल्ट होनी चाहिए फ्यूज वायर टाइम होने पर टाइम होने पर क्या होनी चाहिए मेल्ट होनी चाहिए इट मेल्ट डाउन इट मेल्ट डाउन फ्यूज वायर क्या करती है बेटा मेल्ट डाउन हो जाती है अगर यह मेल्ट डाउन हो जाती है अगर यह मेल्ट डाउन हो जाती है तो आपको पता सर्किट ब्रेक हो जाएगा सर्किट आगे चलेगा नहीं है ना फ्यूज वायर मेल्ट डाउन हो गई सर्किट ब्रेक हो गया सर्किट ब्रेक हो गया सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट क्या हो जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा समझ गए अब आप सोचोगे सर ये फ्यूज वायर बनती किस चीज की है तो बता देता हूं भाई ये ये फ्यूज फ्यूज वायर वायर बनती बनती है बनती है अलॉय की टिन लेड अलॉय होता है या फिर कॉपर निकल अलॉय भी हो सकता है ठीक है ना ये अलॉयज है इनकी बनती है रीजन सुनो क्या है क्यों बनती है इनकी तो कॉपर निकल अलॉय एस एन पी बी अलॉय की इसलिए बनती है क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट पता क्या है इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है सोचो अगर ये मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होगा तो तो करंट बह जाएगा और घर को फूक देगा है ना तो भाई घर को नहीं फूकवाना अगर तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखना पड़ता है यहां मेल्टिंग पॉइंट हाई है या मेल्टिंग पॉइंट क्या है लो है ठीक है तो हीटिंग इफेक्ट ही हो रहा है गर्म होगी वायर और पिघल जाएगी जल्दी से मतलब जल, इतनी भी जल्दी नहीं लेकिन पिघल जानी चाहिए टाइम आने पर है ना तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए उसका लो होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग हीटिंग एलिमेंट पर देखो हीटिंग एलिमेंट कहां कहां होता है पहले ये समझो ये होता है गीजर में जितनी भी चीजें गर्म करती है ना जैसे गीजर हो गया हीटर हो गया है ना इलेक्ट्रिक आयरन हो गई एटसेट्रा इन सब के पास क्या होता है बेटा ऐसा हीटिंग एलिमेंट होता है ठीक है ना ये क्या करता है ये ग्लो करता है आपको पता है दूसरा ये हीट फेंकता है ये हीट क्यों फेंकता है बताए क्योंकि ये बना होता है नाइक्रोम नाम के अलॉय का निकल और क्रोमियम का अलॉय है नाइक्रोम अलॉय ठीक है निकल क्रोमियम का अलॉय है क्या नाम है नाइक्रोम अब ये जो नाइक्रोम है ना इसका रो होता है ज्यादा आपको पता है अलॉयज का रो क्या होता है बेटा ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी क्या होती है ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी बेटा ज्यादा होगी बोलो हा आर इज इक्वल टू रो एल बाय फॉर्मुला देखा है ना और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीट भी उसकी क्या होगी ज्यादा होगी तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और यही हमको चाहिए भी ठीक है जी ये सब अप्लायसेज जो आपके सामने दिखे हैं गीजर हो गया प्रेस हो गई इलेक्ट्रिक रॉयड हो गई वो ड्रायर हो गया हेयर ड्रायर वो क्या है चूल्हा है ये क्या है भाई हीटर है ये सब के सब क्या करते हैं अपने अंदर एलिमेंट रखते हैं और एलिमेंट गर्म होता है और उसी से कार्यक्रम कार्यक्रम जो है वो आगे चलता है ठीक है लास्ट टॉपिक पर आते हैं लास्ट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर ठीक है ना देखो पावर हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी वर्कडन में टाइम या फिर हम इसको एनर्जी अपॉन में टाइम भी कहते हैं दोनों फॉर्मुले किसके हैं पावर के ही हैं ठीक है ना तो एनर्जी है यह जूल में नापी जाती है आपको पता है टाइम सेकेंड्स में नापा जाता है पावर किस में नापी जाती है याद है आपको वाट में नापी जाती है, है ना याद है ना तो वन वाट इज इक्वल टू वन जूल बटा वन सेकेंड यानी वर्क डन अगर एक जूल का हो रहा है एक सेकंड के अंदर कितना जल्दी काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड पावर है ना तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी यह होगी रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो स्पेसिफिकली क्या लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखना पड़ेगा अपने को सही बात है कि नहीं ठीक है ना तो सर पावर का फॉर्मूला यहां पर भी यही है क्या हाँ यही है पावर का फॉर्मुला तो यही है लेकिन करंट के टर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में यहां पर पावर के फॉर्मुले को मॉडिफाई करा जाता थोड़ा सा ठीक है ना तो आपके सिलेबस में ये चीज है आओ देखो देखो बेटा पावर होता है वर्कडन अपॉन में टाइम आपने वर्कडन आज से पहले कब देखा था इसी चैप्टर के अंदर सर अभी तो बताया था वोल्टेज में हाँ तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है अपॉन में चार्ज सही बात है सर चार्ज जाएगा वोल्टेज से मल्टीप्लाई होगा तो वकडन हो जाएगी बेटा क्यूवी हाँ या ना बोलो क्या हो जाएगी क्यूवी तो इस वकडन की वैल्यू उठाई और यहां रख दी तो पावर क्या बन गया बेटा पावर बन गया क्यूवी बाय टी कोई दिक्कत अब आपको पता है कि Q डिवाइड बाई टी जो होता है वो होता है करंट है ना Q डिड बाय T इज करंट है ना तो मैं Q डिड बाई T को क्या लिख देता हूँ करंट लिख देता हूँ P बन जाएगा बेटा IV. है ना और इसको बच्चे याद रखते हैं पता कैसा ठीक है कैसे याद रखते हैं I वोल्टेज इंटू करंट पी इज इक्वल टू वी आई अब इसमें से पता है दो फॉर्मूले और बनाए जाते हैं अपनी सहूलियत के लिए लोड बढ़ाने के लिए नहीं अपनी अपने फायदे के लिए एक है अगर मैं v को ir पुट कर दूं और एक है अगर मैं i को v by r पुट कर दूं ओम स्लोई ये दोनों ये भी ओम स्लोई है ये भी ओम स्लोई तो ओम स्लो के हेल्प से v को ir पुट किया यहां पर और i को v by r पुट किया यहां पर तो पावर देखो क्या बन गई पावर बन जाएगी v की जगह पर ir रखूं तो ये बन जाएगी ir आई i आई व्हिच आई, व्हिच बिकम्स i²r पावर का एक फार्मूला ये भी है i² और यहां पर अगर मैं आई की जगह पर वी R रखू तो पावर ओ भाई, ओ भाई, पावर होगी पावर होगी आई की जगह पर वी R रखू तो वी वी बायर बाय सही बात है ना तो पावर का एक और फॉर्मूला वी स्क्र बायर ठीक है ना कौन सा फॉर्मूला अच्छा है कौन सा बेकार है भाई सारे अच्छे हैं कोई बेकार नहीं है ठीक है ना कब कौन सा लगाना है सर जरूरत के अनुसार देखना पड़ेगा जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब वो लगाना पड़ेगा है ना तो हम प्रैक्टिस करते हैं कि कब कौन सा लगाना है आपको ठीक है चलिए कह रहा है कि का का बल्ब है, 40 का बल्ब है, है, उसे कनेक्ट किया गया पैरल में अक्रॉसा बैटरी ठीक है भाई ये रहा एक बल्ब और ये रहा एक और बल्ब ये सिक्सटी वाट का ये फोर्टी वाट का कनेक्ट कर लिया 220 वोल्ट के साथ ठीक है तो पूछता है आपसे कि भाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग कितना यानी टोटल करंट कितना बह रहा है ये बताइए ठीक है ना टोटल करंट कितना बह रहा है ये बताइए सबसे पहले एक बात बताओ पावर दे रखी है हां सर दे रखी है इसकी भी दे रखी है हाँ सर इसकी भी दे रखी है आपको पता है ये पैरल में जुड़े हुए हैं ना हां सर पैरल में एक चीज है जो सेम रहती है वो कौन है वोल्टेज है ना तो वोल्टेज कितनी है 220 तो हम क्या करेंगे बेटा हम यहां भी 220 वोल्ट ही लेंगे और यहां भी 220 वोल्ट ही लेंगे आया कि नहीं आया 60 वाट 220 वोल्ट 40 वाट 220 वोल्ट इससे क्या हुआ सर इससे ये होगा बेटा कि आप ना इस वाली तार में चलने वाला करंट अलग निकालोगे इस वाली तार में चलने वाला करंट अलग निकालोगे अच्छा आपके कहने का मतलब है कि हम आई अलग निकालें और आई अलग निकालें हाँ बेटा मैं यही कह रहा हूं I1 अलग निकालो I2 अलग निकालो दोनों को जोड़ोगे तो I आ जाएगा ना तुमको क्या निकालना है? तुमको I पता करना है तो I1 अलग I2 अलग फाइंड कर लो आओ देखो P इज इक्वल टू होता है v I, के 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 लिए, लिए लिए, नीचे वाले के लिए P is equal to v I, के लिए। है ना तो पावर का जो डिजिट है वो कितना है पावर का मैग्नीट्यूड कितना है सिक्सटी वोल्टेज है दो सौ बीस और करंट आई वन पावर है यहां पर चालीस वोल्टेज है 220 करंट है आई टू तो आई वन आएगा 60 बटा 220 सौ एम्पियर और आई टू आएगा आई टू आएगा 220 को नीचे ले जाऊं 40 बटा 220 सौ एम्पियर है ना ऐसे ऐसे मत करना भाई पेपर में नीचे नीचे करना है ना मेरे मेरे पास तो हॉरिजॉन्टल जगह होती है तो मैं नीचे नहीं करता हूं तुमको नीचे नीचे करना है मैं सामने कर देता हूँ ठीक है ना तो मेरी आदत है भाई ये गंदी ठीक है तो टोटल आई क्या आएगा बेटा आई वन प्लस आई टू आएगा बोलो हाँ या ना टोटल करंट क्या आएगा वही तो बटा दोनों में तो वही दोनों में ऐड हो जाएगा आई वन और आई टू एड कर दो आई वन कितना बेटा 60 बटा और आई कितना चालीस बटा टोटल आ गया सौ बटा दो सौ बीस का सवाल है बोर्ड में कई बार आया हुआ है फॉर्मूला आपको लगा के दिखा रहे हैं पी बराबर वी आई है। ठीक है जी एक और क्वेश्चन करते हैं कहता है एक बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग है साठ वाट रेटिंग का मतलब पता क्या होता है पावर रेटिंग का मतलब होता है कि जब 220 पर जोड़ोगे ना तब 60 वाट देगा ये नहीं कि हमेशा 60 वाट देता रहेगा भाई पावर निकाल रहा ना वो तो करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी बना रहा ना वो तो तो ये नहीं कि हमेशा बनाता रहेगा 220 पर जोड़ोगे तब करेगा ठीक है सर सर ठीक है तो हमने एक बल्ब को एक बल्ब को 220 पे जोड़ा तब उसने 60 वाट दिया कह रहा है कि अब उसको 110 पे जोड़ो क्या मजाक कर रहे हो बोले हां करेंगे तुम पावर निकाल के दिखाओ ठीक है भाई पावर बताओ कितनी आएगी अगर मैं इसी सेम बल्ब को इसी सेम बल्ब को 110 वोल्ट पर जोड़ूंगा तो, तो भैया आप एक बात बताओ अगर ये सेम बल्ब यहां से उठा के यहां लगा दिया है तो एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है वो कौन सी है वो है रेजिस्टेंस जो आर इसका यहां पर निकलेगा वही आर आप यहां पर यूज कर सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करती है रो एल और ए पर तो बल्ब को यहां से यहां उठाने में उसका रो यानी मटेरियल चेंज हो गया क्या टंगस्टन की जगह कुछ और हो गया क्या नहीं लेंथ चेंज हो गई क्या नहीं मोटाई चेंज हो गई क्या नहीं तो आर सेम रहेगा

और डिवाइड करें किससे किस से? से ओम ये बन गई है ना यहां लगाएं अगर इसको तो ये होगा पी इज इक्वल टू वी बाई आर इसको पी डैश लेता ले हूं नहीं पावर है ना कोई, पी डैश लेता हूं इसको तो पी डैश क्या हो जाएगा बेटा बीस बार क्या है एक सौ दस का स्क्वायर और रेजिस्टेंस क्या है 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 60, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 60, ये क्या आएगा ये आएगा 110 इंटू एक सौ दस यह साठ चला गया इसके साथ ऊपर ये साठ चला गया इसके साथ ऊपर और नीचे रह गया दो सौ बीस इंटू दो सौ बीस बोलो हां कैलकुलेशन समझ में आ रही ना दो सौ बीस का स्क्वायर कर लिया नीचे वनजा टूजा वनजा टूजा थर्टी पे पंद्रह पे आंसर क्या आया बेटा पंद्रह वाट आया पी डैश क्या आया बेटा पंद्रह वाट आया समझ रहे हो पहले वाली पावर साठ थी अगली वाली पावर क्या आई है पंद्रह आई है रीजन रीजन हमने वोल्टेज को हाफ कर दिया है वोल्टेज को हाफ करने से पावर हाफ नहीं होती कम हो जाती है, है. ध्यान रखोगे? ध्यान रखोगे? जुगाड़ ध्यान, ध्यान रहेगा अगर वोल्टेज को हम v बाय कर रहे हैं यानी n टाइम्स कम कर रहे हैं जैसे यहां पर हाफ कर दिया था n टाइम्स कम कर रहे हैं तो, तो पावर एन स्क्वायर टाइम्स कम होती है जुगाड़ नोट कर लेना इसको ठीक है लास्ट टॉपिक पर आते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एनर्जी से पहले एनर्जी के फार्मूले पढ़ लो जरा आप देखो यार एनर्जी होता क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं ये पावर के ही फार्मूले में एनर्जी अपॉन में टाइम है देखा है ना आपने तो एनर्जी को हम p t लिख सकते हैं क्या नहीं यानी एनर्जी को मैं पावर

ठीक है ना समझ में आया चलो बढ़िया लास्ट टॉपिक पर आते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ठीक है ना ये आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था ये सेम टॉपिक है ना देखो एनर्जी के ना बहुत सारे यूनिट होते हैं एक यूनिट होता है इसका जूल है ना जो कि ऐसा यूनिट है एक यूनिट होता है अग्स ये सीजीएस यूनिट कहलाता है ठीक है फिर एक यूनिट होता है कैलोरी ये हीट की प्रैक्टिकल यूनिट है ठीक है ना हीट की प्रैक्टिकल यूनिट है ये, ठीक है और फिर ऐसे ही एक होता है किलोवाट आर, ब्रैकेट में लिखते हैं के छोटा के छोटा के बड़ा डब्ल्यू छोटा एच किलोवाट आर, किलोवाट आर, कहां से आया है किलोवाट आर? कहा से आया है किलोवाट आर? इसे बोलते हैं कमर्शियल यूनिट कमर्शियल मतलब होता है खरीद फरोख्त करना ट्रेडिंग करना तो कमर्शियल यूनिट किसकी है ये एनर्जी की यानी एनर्जी का खरीद फरोख्त चल रहा है कौन कर रहा है भाई बिजली कंपनियां कर रही हैं बिजली बनाने वाली कंपनियां कर रही है किसके साथ कर रही है तुम्हारे साथ कर रही है भाई तुमको बिजली बेच रही है हाँ और तुम उनको पैसा दे रहे हो या नहीं दे रहे दे रहे है. तो किसके हिसाब से देते हैं हम पैसा हम देते हैं कि हमने कितनी एनर्जी पूरे महीने में खर्ची है वो किलोवाट वाटार में कैलकुलेट होती है इसको बोलते हैं यूनिट अरे इतना यूनिट बिजली खर्च दी भाई इतना बिल आ गया है ना आप अपने बिजली का बिल देखना आप अपना इस बार महीने का बिजली का बिल देखना आपको दिखेगा वहां पर कितने यूनिट्स 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 यूज हुए युनिट्स यूज, युनिट्स ऐसे लिखा हुआ आता है तो लिखा हुआ आएगा 200 यूनिट खर्चे हैं 500 सौ यूनिट खर्चे हैं आठ यूनिट करते हैं हजार यूनिट खर्चे हैं डिपेंड करता है कितने अप्लायसेज आपके घर पर चलते हैं है ना क्योंकि हर अप्लायंस की अपनी अपनी पावर है और हर अप्लायंस कुछ कुछ देर चलता है अब ये क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर तो टोटल एनर्जी निकल जाती है टोटल एनर्जी निकल जाती है किसमें किलो वाट आर में निकलती है के एच में ठीक है ना फिर एक किलो वाट आर का खर्चा अपने को पता होता है कि तीन रुपए या चार रुपए वो पे करना पड़ता है आपको और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल आंसर आ जाएगा अभी करके दिखाऊंगा ठीक है जी अभी आपके मन में हो सकता है ये कंफ्यूजन आया किलो वाट आर आया कैसे वाट तो पावर होती है पर आर तो टाइम होता है ना अरे देख एनर्जी पावर इन टाइम है कि नहीं हा है पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट टाइम की होती है सेकंड्स तो वाट सेकंड करेंगे तो ये भी एसआई SI आई के अंदर क्या लिखा जा सकता है जूल यानी जूल लिखे या वाट सेकंड लिखे बात एक है जूल इज इक्वल टू वाट सेकंड इन दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों SI है। दोनों एसआई SI एसआई है 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 ही यूनिट ना लेकिन अगर हम वाट की बड़ी यूनिट ले इज लेट और सेकेंड की भी बड़ी यूनिट ले लेट इज आर तो बेटा ये भी तो एनर्जी की ही यूनिट है ये किसी और की थोड़ी आ गई उठ करके बोलो हाँ वाट की बड़ी यूनिट किलो वाट सेकेंड्स की बड़ी यूनिट घंटा एक घंटे में होते हैं छत्तीस सौ सेकंड और एक किलो और एक किलो वाट में होते हैं हजार वाट इसीलिए आप जूल का किलो वाट आर के साथ कन्वर्जन भी याद रखोगे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी याद रखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई वन किलो वाट आर वन किलो वाट आर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर सिक्स जूल याद रखना भाई भूलना नहीं भूलना नहीं है ठीक है याद रखना है इसको क्वेश्चन आ सकता है है ठीक सिंपल सवाल पूछे एमसीक्यू पूछे वहां पर ये आ जाएगा कन्वर्जन भी हो सकता आ जाए वैसे मुश्किल है रेयर केस में कन्वर्जन है लेकिन आने को आ सकता है ठीक है तो ये फॉर्मुला हमेशा ध्यान रखेंगे एनर्जी कंज्यूम निकालने का फॉर्मुला है पी इन टी करना पड़ेगा आपको ठीक है फिर जो आंसर आएगा वो किलो वाटार में कन्वर्ट करके और फिर आप रुपए निकाल दो कितना रुपया बनता आइए एक सवाल भी करते हैं इसके ऊपर छोड़ेंगे नहीं आपको भाई ऐसे कहते छोड़ देंगे एक फ्रिज है एक फ्रिज है जिसका 400 वाट पावर है ठीक है सर पावर फिलहाल इसका कितना है 400 वाट है ओके रोज चलता है घंटा अच्छा आवर्स पर डे तो टोटल टाइम कितना हो गया तीस दिनों का पूछता आपसे कि कॉस्ट क्या आएगी पैसा कितना लगेगा तीस दिनों तक फ्रिज चलाने का कितना पैसा लगेगा तो थ्री रुपीज दे रखा है पर किलो वाटर हम एक काम करते पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं भाई टोटल पावर है चार सौ वाट टोटल टाइम कितना है आठ घंटे पर डे और तीस दिन रोज के डे से डे कट गया आठ चौक कितना आ गया थी कितना आ गया चौबीस टू फोर्टी आवर्स कितना टाइम लग रहा है दो सौ चालीस घंटे लग रहे हैं और पावर कितनी है चार सौ वाट है ठीक है ना तो एनर्जी निकालेंगे हम पी इंटू टी करके तो पावर आएगी फोर हंड्रेड डिवाइड बाय हजार इनटू में टाइम आएगा कितना दो सो चालीस घंटे ठीक है जी हमने क्यों डिवाइड किया हजार से ताकि किलोवाट में कन्वर्ट हो जाए तो तीन जीरो से हम तीन जीरो उड़ा दें उड़ तीन जीरो तीन जीरो उड़ गए गए तो चार चौक सोलह और चार दुनिया छियानवे हो जाएगा है ना चौबीस चौक के छियानवे होता है छियानवे किलो वाट आ गया बेटा देख रहे हो देख रहे हो हजार से डिवाइड क्यों किया वाट में था किलो वाट में कन्वर्ट करना जरूरी था आर में क्यों आया क्योंकि आपने पहले से दिया हुआ था आर इसलिए आया ठीक है ना आ, में तो पहले से दिया हुआ था ठीक है और टोटल टाइम हमने निकाल लिया था। दिया गया, 96 किलो वाट आर, दिस क्या है अब हमको पता है कि भाई वन किलोवाट आर जो होता है इट इज वन यूनिट एक किलोवाट आर का मतलब होता है एक यूनिट या लिखी देता हूं वन किलो वाट आर मतलब वन कमर्शियल यूनिट ठीक है का खर्चा दिया हुआ है तीन रुपया ठीक है का खर्चा कितना दिया हुआ है तीन रुपया तो छियानवे किलो वाट आर का कितना खर्चा बनेगा इन तीन अठारह नौ छिया सत्ताईस अट्ठाईस दो सौ अट्ठासी कितना रुपया आ गया भाई दो सौ अट्ठासी रुपया आ गए टू एटी एट टू एटी एट रुपीज आ गए इस तरीके से हमेशा बिल निकाला जाता है बेटा ठीक है समझ में आया तो भाई इसी के साथ हम अपने इस छप्पन स्लाइड वाली पीपीटी के अंत में आ गए हैं और इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं हाँ मुझे आपको फॉर्मूला शीट जरूर देनी है तो यार एक बार फार्मूला शीट ले 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 लो आप मुझसे ठीक है उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं तो भाई सबसे पहला फॉर्मुला जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू एनी क्वानाइजेशन का फॉर्मुला था अगला फॉर्मूला आपने करंट का पढ़ा था क्यू डिड बाई टी फिर आपने वोल्टेज का निजी फॉर्मूला पढ़ा वर्कडन अपॉन में चार्ज फिर वोल्टेज और करंट को जोड़ने वाला फॉर्मूला पढ़ा आपने वी इज इक्वल टू आई आर ठीक है ना फिर आपको पता नहीं था ये आर कौन है तो आर का आपने अपना फार्मूला खुद निकाला रो एल बाय ए करके है ना और उसके बाद आपने फिर सीरीज सीरीज के लिए फार्मूला निकाला आर सीरीज इज आर1 प्लस आर2 प्लस आर3 करके है ना ऐसे ही आपने पैरेलल के लिए भी निकाला 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर1 प्लस 1 बाय आर2 प्लस 1 बाय आर3 थी करके ठीक है ना उसके बाद आप आते हो फिर पावर पर पहले एनर्जी पर लॉ ऑफ जूल्सिंग पावर की वजह से आए थे और एनर्जी और पावर के बीच में जो रिश्ता है वो है पी इंटू टी का पुराना रिश्ता है नाइन्थ क्लास का रिश्ता तो, पावर के तीन फॉर्मुले थे एक था वी आई एक था वी स्क्तर बटा आर और एक था आई एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह कितने फॉर्मूले हैं भाई चौदह फॉर्मूले ठीक है आपने अपनी आंखों के सामने रखने है ना अपनी राइटिंग में लिखोगे बहुत अच्छी बात है मेरी राइटिंग का प्रिंट आउट निकालने का कोई ज्यादा खास फायदा आपको मिलने वाला नहीं है ठीक है तो इसी के के साथ आज के इस लेक्चर को हम लोग करते हैं समाप्त है ना तो फिर आप कमेंट में लिखोगे कि भैया है छह घंटे का लेक्चर था और उसको सर जी ने ढाई घंटे तीन घंटे के अंदर स्क्वीज कर दिया दिस इज द आर्ट ऑफ स्क्वीजिंग जो मुझको आती है तो <laughs> है ना तो भाई इसी के साथ हम लोग आपसे लेते हैं विदा होपफुली मैंने आपको जो चीजें समझाई हैं वो आपके समझ में आई होंगी है ना मैं कंट्रीब्यूट कर पाया हूं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूं आपकी लाइफ के अंदर इस चैप्टर को पढ़ा करके बहुत ही हैवी डिमांड थी भाई है ना तो अगर अगर अगला चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की भी डिमांड है तो वो भी लिख दीजिएगा और कैसा लगा आपको ये वाला लेक्चर वन शॉट पढ़ना सब चीजें इंक्लूड करी गई है थ्योरी विद न्यूमेरिकल हर एक चीज को प्रैक्टिस मैंने अपने हाथ से करवाया एक दो चीजें आपको होमवर्क में भी दी है करने के लिए है ना तो भाई ये कंप्लीट पैकेज लेक्चर आपके लिए रहा या नहीं रहा कैसा साबित हुआ जरूर लिखेगा कमेंट सेक्शन के अंदर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स के ऊपर रखेंगे तब तक के लिए टेक केयर टाटा बाय बाय